हेलो एवरीवन, सो टिल दैट वी हैव अंडरस्टूड हाउ वी ड्रिल अ वेल एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसीड्यूर व्हाइल ड्रिलिंग, हाउ टू सेट केसिंग, व्हाट इज केसिंग, फंक्शंस ऑफ द केसिंग्स, इक्विपमेंट यूज्ड ड्यूरिंग ड्रिलिंग. After that, we have covered hydraulic model for the drilling fluid and cementing. We have covered drilling fluid as well as cementing chapter. And now we know how we proceed to drill. So, during the drilling, while drilling, we face many issues which we are going to discuss in this session. So, today's session is for the whole problem. So we discuss about whole problem, which are they mainly. This is from the H. Rabia book, chapter number I don't know again. So you can follow H. Rabia simultaneously. So let's start this chapter. What are the difficulties we are facing while drilling? So they have distributed this problem in main two part. First, they named differential sticking problem, and second is the mechanical problem. So, mechanical sticking, differential sticking, these are the main two categories in which we discuss. So, I would like to start with the differential sticking, but in mechanical sticking, there are various problems, bead bowling, tied hole, then low circulation, then different problem we will go through one by one, key sitting, etc. So without wasting time, I would like to start with the differential stucking. Okay, main aapko bolu ki koi padarth hai apna, suppose karo ye hamare Jethalal ji khade hai, ठीक है. यहाँ पे मान लो बबीता जी खड़ी है. कौन खड़ी है? बबीता जी. और यहाँ पे मान लो अय्यर भाई खड़े हैं. ठीक है, तो ये किस ओर मुंह करेगा? ये ऑब्वियसली बबीता जी की ओर मुंह करेंगे. पूछने वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई बताने वाला लॉजिक ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये इस साइड मूव करेंगे. क्यों? क्योंकि इस साइड वाला फोर्स क्या है, इस साइड से जो अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है. सेम चीज़ हमारी होगी डिफरेंशियल स्टकिंग के साथ. चलो देखते हैं क्या है. आपको पता है हमारा जो रिजर्वायर है उसमें इस तरह से लेयर्ड होते हैं. मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने क्या ड्रॉ किया आप बता सकते हो? यस, सेल ड्रॉ किया. ये पोरस वाला सैंडस्टोन है. क्या है? पोरस सैंडस्टोन है. ओके, उसके बाद फिर से कुछ इस तरह से क्या है, सेल है. ठीक है, ये बड़ा लेयर है इस तरह से, जिसमें से हमने ड्रिलिंग करके हुए रखा है. क्या करके रखा हुआ है? ड्रिल करके हुए रखा है. ये अपना होल है और अभी ये सेल है. अभी ये जोन हमारा केसिंग नहीं हुआ, हम यहाँ से ड्रिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, कुछ इस तरह से अब मैं बोल रहा हूँ. तो यहाँ पे मेरी ये ड्रिल पाइप है. अब कुछ इस तरह से है अपना कंडीशन. अभी अपनी कंडीशन कुछ इस तरह से है, मान लेते हो इस तरह से. यस, इस तरह से कुछ अपनी अभी कंडीशन है, ड्रिलिंग चल रहा है. अब मैं ये पॉइंट की बात करूं, ये वाले पॉइंट की, तो ये ए पॉइंट है. क्या है? ए पॉइंट है. और यहाँ पे फॉर्मेशन का ये ए पॉइंट के इक्विवेलेंट पॉइंट है. तो यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मेशन प्रेशर होगा. अब आपको पता है ये पोरस मीडिया है. ठीक है, ये क्या है? पोरस मीडिया है. अब हमें पता है कि हमारी क्या कंडीशन होती है, पी हाइड्रो क्या होती है, फॉर्मेशन से हम ज़्यादा रखते हैं ताकि क्या ना हो, किक ना आए. ठीक है, ऐसा कुछ होता है. यस, तो हमें पता है कि जैसे ही मेरा ड्रिलिंग फ्लूड
यहाँ से सर्कुलेशन होगा तो हमें पता है कि इसकी सरफेस में से इसमें क्या हो जाएगा, फिल्टर लॉस हो जाएगा यानी कि वाटर निकल जाएगा, ऐसा अभी के लिए हम मानते हैं। और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगी, इस तरह से दोनों साइड ये क्या फॉर्म हुई, फिल्टर केक फॉर्म हुई। अब मान लो कि ये मेरी एक स्लरी थी जो अभी के लिए क्या है, मेरा मड है, इसमें से हल्की चीज़ वाटर निकाल रहा हूँ, तो अब जो रिमेनिंग स्लरी होगी वो कैसी हो जाएगी, हेवी हो जाएगी। यस, सेम चीज़ मेरी क्या हो रही है, यहाँ पे आपने देखा हल्की चीज़ रिमूव हो रही है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, मैं बोल रहा हूँ ये वेल के यहाँ पे, ये ए वाले पॉइंट पे जब फिल्टर केक फॉर्म होगी और ज़्यादा फिल्ट्रेट लॉस हो जाएगा तो पी ए पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। यस, क्या होगा, पी हाइड्रोस्टेटिक ड्यू टू रिमूवल ऑफ दी सॉल्वेंट्स, क्या हुआ, पी हाइड्रोस्टेटिक बढ़ गया और पी हाइड्रोस्टेटिक माइनस पी फॉर्मेशन इफेक्टिव हो गया, ये इफेक्टिव हो गया और उससे क्या हुआ, ये हमारी जो पाइप थी वो कुछ इस तरह से थी, वो यहाँ से क्या हो गई, इस तरह से, इस तरह से कुछ यहाँ पे, ये जो इतना, ये देखो इतना कांटेक्ट बना लिया, अच्छे से ड्रॉ करता हूँ फिर से, ये कुछ यहाँ पे इस तरह से स्टक हो गई, क्या हो गई, स्टक हो गई, देखो कुछ इस तरह से स्टक हो गई, क्यों, क्योंकि ये इस तरफ क्या हुआ, प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इफेक्टिव प्रेशर कितना है, इतना पी हाइड्रो माइनस पी फॉर्मेशन से जो फोर्स लग रहा था, तो इतना कॉन्टेक्ट एरिया में मेरी पाइप क्या हो गई, जहाँ पे फिल्टर केक बना हुआ था वहाँ पे। तो ऑलवेज याद रखो, डिफरेंशियल स्टकिंग इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन पोरस मीडिया इज प्रेजेंट एंड फिल्टर लॉस इज टेंड्स टू स्टक द पाइप ऑन द वन साइड ऑफ द वॉल, यही हमारा है डिफरेंशियल स्टकिंग, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें कौन से फोर्स डिफरेंशियल फोर्स है, यस डिफरेंशियल फोर्स कौन सा है हमारा, यहाँ पे देखो वन बाय वन वन पैरामीटर हम लिखते हैं, तो फर्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल फोर्स, डिफरेंशियल फोर्स कौन कौन से है, तो यस डिफरेंशियल प्रेशर पता है पी हाइड्रो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट माइनस पी फॉर्मेशन इंटू क्या होगा, इंटू कॉन्टेक्ट एरिया। अब देखो कॉन्टेक्ट एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे कितना कॉन्टेक्ट है, इतना कॉन्टेक्ट है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ये वाली हाइट हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा पी एच माइनस पी एफ इंटू पाई डायामीटर ऑफ दी पाइप इंटू एल, समझ में आया क्या, यस ये एल है, ठीक है, एच नहीं है, ये मेरा एल है, चलो। तो ये क्या हुआ डिफरेंशियल फोर्स, कितना डिफरेंशियल फोर्स हुआ, एच एस माइनस पी एफ, ठीक है, डिफरेंशियल फोर्स हुआ। अब मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशियल स्टकिंग फोर्स क्या है, डिफरेंशियल स्टिकिंग फोर्स की मैं बात करूँ, तो डिफरेंशियल स्टिकिंग फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो होगा पी हाइड्रो, ये जो बढ़ा हुआ है फिल्टर रोज की वजह से, वो माइनस पी एफ इंटू एरिया इफेक्टिव, क्या लेना है, इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया क्या होता है वो हम अभी देखते हैं, ठीक है, इनटू फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर विल कम इनटू पिक्चर। अब एरिया इफेक्टिव होगा तो वो कॉन्टेक्ट एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया इनटू क्या हो जाएगा, पेरीफेरी, परसेंटेज ऑफ पेरीफेरी कॉन्टेक्टेड, ठीक है, जितना परसेंटेज कॉन्टेक्ट हुआ है, डिफरेंशियल फोर्स निकालते थे, ठीक है, डिफरेंशियल फोर्स, तब तो ये पूरा इतने जोन का, ये पूरा का पूरा क्या ले लिया हमने, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया। बट जब स्टिकिंग फोर्स निकालते हैं, ये फोर्स रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए, हमारी पाइप को वहाँ पे स्टिक करवाने के लिए, तो उस केस में जो हम निकाल रहे हैं डिफरेंशियल स्टिकिंग फोर्स इज इक्वल टू, इतना अगर ओवरऑल फॉर्मूला में लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से है, कॉन्टेक्ट एरिया, एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट इंटू परसेंटेज ऑफ द पेरिफेरियल कॉन्टेक्ट इंटू फ्रिक्शन फैक्टर,
क्या होगा इनटू फ्रिक्शन फैक्टर। तो ये मिल गया डिफरेंशियल स्टिकिंग फोर्स, ये क्या है पाई डी एल लेना है, ठीक है। याद रखो पाई डी एल है, पाई आर स्क्वायर नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस। और ये किसकी वजह से मिल रहा है, अगर आपको कोई पूछ रहा है तो क्या बोलोगे, पोरस मीडिया के आसपास पी हाइड्रोस्टेटिक बढ़ जाने की वजह से मुझे ये मिल रहा है। और हाइड्रोस्टेटिक जो बढ़ रहा है उससे क्या डिफरेंशियल है, तो डिफरेंस हो रहा है। अब आगे मैंने आपको कहीं पे बताया था कि डिफरेंशियल पाइप अगर स्टकिंग ना करवाना हो तो ऑयल बेस मड यूज़ करना चाहिए। क्या यूज़ करना चाहिए, ऑयल बेस मड। आप अब इस फॉर्मूला से आंसर करो कि फ्रिक्शन फैक्टर है, सॉरी फ्रिक्शन है जो फ्रिक्शन परसेंटेज है, फ्रिक्शन का परसेंटेज है वो कम होगा तो ये भी कम होगा। अगर मैं ऑयल यूज़ कर रहा हूँ वाटर की जगह तो ऑब्वियसली वो कम होगा, फ्रिक्शन कम लगेगा तो मेरा स्टिक होने का चांस भी कम होगा, तो ऑयल बेस मड हमारे लिए यूजफुल है। दूसरी चीज़, परसेंटेज ऑफ पेरिफेरी जो कॉन्टैक्ट हो रहा है ये गिवन होगा, वो जितना कम होगा उतना DSF कम होगा, यस। तो मैं इस तरह से AC पाइप ना यूज़ करते हुए, AC ड्रिल कॉलर या पाइप ना यूज़ करते हुए कुछ स्पाइरल शेप की यूज़ करूँ इस तरह से, ठीक है। पाइप तो ऐसा ही होता है बट उस पर जो लेयर है, ठीक है, पाइप तो कुछ इस तरह से है बट उसमें ये पाइप तो फ्लो तो ऐसे ही हो रहा है बट ये जो इसकी पाइप है उसको इस तरह से कट के डाला होगा, ठीक है, काट डाला होगा ताकि स्पाइरल जैसा शेप क्रिएट हो उसके वजह से। तो ये कुछ आप देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर से इस तरह से स्पाइरल शेप में चलता हुआ आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। आपको इस तरह से स्पाइरल के शेप में आपको पाइप चलता हुआ मालूम पड़ेगा बट इसमें से फ्लो तो हो रहा है, वो सिंपल सा ही है, ठीक है। दो कलर लेना होगा अगर इसको अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो एम्प्टी होगा, ठीक है, एम्प्टी होगा इन दी सेंस कॉन्टेक्ट कम करने के लिए ये वाला पोर्शन क्या कर दिया होगा, पाइप में से हटा दिया होगा। तो आप नेट पे एक पिक्चर देखो स्पाइरल ड्रिल कॉलर की तो समझ जाओगे, बट इससे क्या हो रहा है, ये वाला कम हो रहा है तो उससे ये वाला भी कम हो रहा है। तो स्पाइरल काइंड कॉलर किस लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल स्टिकिंग को कम करने के लिए। इस पे क्वेश्चन लगाओ 12.1 12.2, क्या करो 12.1 12.2। अब पता कैसे चलेगा कि डिफरेंशियल स्टिकिंग हो गया है, ठीक है, पता कैसे चलेगा कि भाई इस जगह पे क्या हो रहा है, डिफरेंशियल स्टिकिंग हो चुका है। तो कैसे पता चलेगा उसको आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसमें से मड भेजूँगा, अगर मैं इसमें से मड डाल रहा हूँ, ठीक है, तो मड घूम फिर के वापस आ जाएगा, यस ऑब्वियसली आ जाएगा। पहली चीज़ क्या बोल रहा हूँ, सर्कुलेशन स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, सर्कुलेशन तो स्टार्ट ही रहेगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये सब। सर्कुलेशन कम नहीं होने वाला है, सर्कुलेशन तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू ही हो रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन अनइफेक्टेड। दूसरी चीज़, ये यहाँ पे स्टक हो चुका है, यहाँ पे क्या हो चुका है, स्टक हो चुका है, तो क्या इसकी अप और डाउन मूवमेंट होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। तो पाइप कैन नॉट मूव अप और डाउन ऑब्वियसली। तो ये दो पैरामीटर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पाइप अप और डाउन दोनों में से किसी भी तरह मूव नहीं होगा और सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे। नाउ अब मान लो कि ये पूरी जो घटना बताई आपको, जो मैंने घटना का एक्सप्लेनेशन किया, ये घटना हो चुकी है। तो अगर हमें डिफरेंशियल स्टिक पाइप को फ्री पाइप बनाना है, यानी कि वो फ्री से मूव कर सके वैसी पाइप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कोई सोच सकता है, आप खुद से सोचो, यस पता चल सकता है क्या करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली रिड्यूस दिस pH। व्हाट वी विल डू, वी रिड्यूस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, नथिंग एल्स। व्हाट वी विल डू, वी विल रिड्यूस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। व्हाट वी विल डू, वी बेसिकली रिड्यूस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सो लेट्स टॉक ऑन दी मेथड ऑफ दी रिडक्शन ऑफ दी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सो वी नो, व्हाट वी नो, टू रिड्यूस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वी हैव टू डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द मड। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू
decrease density of the mud, then we can reduce the hydrostatic pressure. Okay. चलो अभी जगह बहुत है तो यहाँ पे ही स्टार्ट करते हैं. हाउ कैन वी रिड्यूस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर? हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? मान लो ये क्या है, ये वाले पॉइंट पे क्या है, अभी ये फ्लूड की वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर एक्ट हो रहा है तो हम दो तरह से ये रिड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ दी रिड्यूस डेंसिटी ऑफ द फ्लूड. हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस डेंसिटी ऑफ द फ्लूड. और सेकंड चीज़ हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस हाइट, यानी कि आप इसमें से इतनी हाइट रिड्यूस कर दो तभी भी क्या होगा, हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिड्यूस होगा. ये दोनों घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम अब बात करने वाले हैं फ्री डिफरेंशियल स्टक पाइप की. सो इच मेथड पे कैलकुलेशन आपको मिलेगा, उस कैलकुलेशन के हेल्प से ही हम मोस्टली अंडरस्टैंड करते हैं. तो फर्स्ट मेथड की मैं आपको बात करता हूँ, चलो अब तो नया ही ले लेते हैं. मैं आपको फर्स्ट मेथड की बात करता हूँ, तो फर्स्ट मेथड की आपको बात करूं रिडक्शन इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. अब एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब भी रिमूव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब भी रिमूव कर रहे हो तब उतना भी रिड्यूस नहीं होना चाहिए कि पोर प्रेशर ग्रेटर हो जाए. ठीक है, ये फेवरेबल नहीं है. अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, कीक आना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज़ जो स्टेबिलाइज फॉर्मेशन है उसको स्टेबिलाइज रखने के लिए भी जितना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उतना तो वहाँ पे मिलना ही चाहिए उनको, वरना वो भी अनस्टेबिलाइज होकर केविंग कर देगा या स्वेलिंग कर देगा, कुछ भी हो सकता है. तीसरी चीज़, जब भी ये ऑपरेशन कर रहे हो तब क्या ध्यान में रखना है, पोर प्रेशर जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें एरर नहीं होना चाहिए. अगर उसमें ही एरर है देन इट माइट कॉज दी प्रॉब्लम. एंड लास्ट वन, ओके, सो ये लास्ट था ऐसा मैंने बोला, चलो कोई बात नहीं. अब इसमें बहुत आपको ध्यान रखते हुए क्या करना है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिड्यूस करना है. सो मैं आपको बोल रहा हूँ फर्स्ट हम काम करेंगे, फर्स्ट मेथड जिसमें हम काम कर रहे हैं बाय सर्क्यूलेटिंग, फर्स्ट मेथड में बोल रहा हूँ बाय सर्क्यूलेटिंग रिड्यूस मड वेट. मैं बोल रहा हूँ मैं रिड्यूस मड वेट को सर्क्यूलेट करवा रहा हूँ. आप एग्जांपल 12.3 इसके साथ ही देख सकते हो. ठीक है, अगर देखना चाहो तो आप इसके साथ ही क्या देख सकते हो, एग्जांपल, व्हाट यू कैन सी, एग्जांपल नंबर 12.3 जो इस मेथड पे बेस है. तो व्हाट आई विल डू, देखो अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, मान लो ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है कौन सा वाला, ए वाला पॉइंट है. तो वहाँ की अभी मैं बात करूँ तो अभी मेरा ओल्ड मड इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, क्या है, ओल्ड मड प्रेजेंट है. ठीक है, ये कुछ इस तरह से ओल्ड मड प्रेजेंट है और स्टेटिक कंडीशन है ऐसा मैं मान रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ, स्टेटिक कंडीशन है ऐसा भी मैं मान रहा हूँ. अब ये मैं मान लो है अपनी एक वाई जितनी हाइट है. तो यहाँ पे अभी पी ए क्या है, अभी ओल्ड वाली कंडीशन पे है 0.052 रो ऑफ द ओल्ड मड इनटू वाई. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेथड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इसमें मैं हल्का फ्लूड जो ये रो मुझे कम करनी है. ठीक है, मिक्सिंग का रूल हमने देखा था. ठीक है, ये कोई M1 है, ये कोई M2 है, ये दोनों को मैं मिक्स करके M3 बना रहा हूँ. तो अगर ये M3 की वैल्यू होती है, ठीक है, तो इसका जो रो 3 होगा वो ऑलवेज रो 1 एंड रो 2 के
बीच की वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, आपने क्वेश्चन भी देखा था रो वन एंड रो टू के ना, ये रो थ्री कैन नॉट ग्रेटर देन रो वन एंड रो थ्री कैन नॉट लेस देन रो टू इफ रो वन इज ग्रेटर देन रो टू, इस तरह से। ठीक है, रो वन और रो टू के बीच की ही वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी। तो हम इसमें कुछ हल्की चीज़ ऐड कर रहे हैं तो उससे हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिड्यूस होने वाला है। सो लेट सपोज मैंने इसमें क्या डाल दिया, अब देखो यहाँ पे बीओपी रहता है, ठीक है, उसको अभी पहले क्या करेंगे हम क्लोज कर देंगे, उसको क्लोज कर देंगे। क्यों क्लोज करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिड्यूस किया बट हमारी सेफ्टी के लिए पोर प्रेशर बढ़ ना जाए और यहाँ से कीक आई तो पहले कहाँ जाती है, कीक ऑलवेज एन्यूलर में टेंस होती है तो वो ना हो उसी के लिए हम क्या करेंगे, हमारा बीओपी को ऑलवेज हम क्लोज कर देंगे सबसे पहले। देन व्हाट विल वी डू, देन हम यहाँ से क्या करेंगे ऑयल इसमें डालना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे ऑयल डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप देखो पहले स्टोरी सुन लो, ये हल्का ऑयल डाला तो यहाँ का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, बट किसी भी तरह से हम उसको सरफेस पे से प्रेशर देख के हल्का फ्लूड क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे अभी एन्यूलस पे नहीं है, ठीक है, एन्यूलस पे नहीं है अभी, कहाँ है पाइप के इनसाइड है, ओनली एंड ओनली पाइप के इनसाइड क्या होगा, मैंने हल्का फ्लूड यानी कि ऑयल डाल दिया, क्या किया ऑयल डाल दिया। अब मुझे बताओ जब मैंने ये प्रीवियस कंडीशन आपको समझ में आ गया, मैं अभी के लिए रब कर रहा हूँ, चलो तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरी पाइप है उसमें मैंने ऑयल डाला है। अब बात बताओ कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या इक्वल प्रेशर होगा, नहीं इक्वल प्रेशर तो नहीं होगा, तो यहाँ से क्या होगा ये वाला यहाँ पे एन्यूलस में क्या है अभी ओल्ड फ्लूड और यहाँ पे नया हल्का फ्लूड आ गया तो मैं बोल सकता हूँ पी बी ग्रेटर देन पी ए होगा, यस। तो ये क्या करेगा इस पर बैक फ्लो डालेगा, क्या डालेगा बैक प्रेशर डालेगा, और बैक प्रेशर जैसे ही डालेगा, बैक प्रेशर जैसे ही डालेगा तो दोनों क्रूड मिक्स हो जाएगी, और कब तक बैक फ्लो होगा जब पी ए और पी बी का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, क्या ना हो जाए पी ए और पी बी का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। अभी ये बी ओ पी क्लोज है और ये मेरी ड्रिल पाइप है और इसमें मैंने क्या डाल दिया हल्का फ्लूड डाल दिया है जो मैं अब उसकी हाइट को दर्शाने के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ, और ये जो प्रीवियस वाला मड था वो भी यहाँ कुछ इस तरह से होगा। तो ये वाली हाइट क्या होगी, यहाँ पे ओल्ड फ्लूड है तो ये वाली हाइट रिड्यूस होगी और वो मड कहाँ पे आ जाएगा पाइप के इनसाइड आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से अब देखो अब ये स्टेबिलाइज हो गया है, पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया है, नो बैक फ्लो वाली कंडीशन मिल गई और यहाँ पे बैक फ्लो होता था। ठीक है, तो मिल गया हमें, हमने क्या किया अब इसमें लाइट फ्लूड डाल दिया है, क्या डाला है लाइट फ्लूड डाला है, लाइट फ्लूड डाला है तो क्या होगा, अगर लाइट फ्लूड डाला है तो पी ए पे इज इक्वल टू पी बी पे रिड्यूस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मिलेगा, क्या मिलेगा रिड्यूस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मिलेगा। ठीक है, तो ये मेथड है और इस पर कैलकुलेशन देखो, ठीक है 12.3 मैं नहीं करवाऊंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैंने टोटल करवा दी। अब देखो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, तो उसके लिए मैं वापस से ये दो, चलो मैं अच्छे से अब ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले ये ओल्ड वाली कंडीशन है, कौन सी वाली ओल्ड वाली कंडीशन है, यहाँ पे बीओपी क्लोज है और इसके अंदर ओल्ड वाला ड्रिलिंग फ्लूड है, क्या है ओल्ड वाला ड्रिलिंग फ्लूड है, ये ओल्ड वाला ड्रिलिंग फ्लूड है, ये ए पॉइंट है और फिर क्या किया उसमें हमने कुछ हल्की चीज़ एंटर करवा दी और क्या करवाया और यहाँ पे ऑयल आ चुका है अब कुछ, ठीक है कुछ इतना ये कहीं पे भी इक्वल हो चुका जितना है, ठीक है कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है,
सो अब जो बी पॉइंट पे प्रेशर होगा, यानी कि ये वाला ए या फिर ये बी ले लो, दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो कुछ इस तरह से कंडीशन है। अब मैं आपको बोलूँ कि ये तो अब पूरा मिक्स हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे तो दो फ्लूड मिक्स हो चुके हैं। अब ये एल जो हाइट रिड्यूस हुआ है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये जो अब इक्वल हाइट वाली लाइन आ चुकी है, क्या आ चुकी है, इक्वल हाइट वाली जो लाइन आ चुकी है, कुछ इस तरह से जो केस हो चुका है, ओके, कुछ इस तरह से जो केस अब हो चुका है, और ये है, चलो क्या लेते हैं, उसमें ये y लिया था और इसमें ये h ले लेते हैं, तो y क्या है, कुछ नहीं बट l प्लस h है। तो मैं बोलूं कि मुझे कितना वॉल्यूम ऑयल का एंटर करना होगा, वो मुझे क्वेश्चन में निकालने को बोला है, क्वेश्चन 12.3। सो क्या करो, देखो रिडक्शन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना रिड्यूस करना है वो आपको दे दिया है, ठीक है, कितना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिड्यूस करना है वो आपको दे दिया है। देखो एक मिनट में अगर ये क्वेश्चन करना हो तो कैसे हो जाएगा, मैं आपको बोल दूँ कि देखो ये ए पॉइंट पे पी ए पे जो प्रेशर था ओल्ड माइनस, अब जो हमने रिड्यूस किया, ठीक है, ये न्यू, ये दोनों किसके इक्वेलेंट हो जाएंगे, रिड्यूस्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के, रिड्यूस्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के, यस, इसको आप लिख सकते हो 0.052। अब देखो ये पाइप का इनसाइड ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है, पाइप के इनसाइड का एल प्लस एच इंटू रो ऑफ दी ओल्ड इज इक्वल टू, अब नए केस में क्या होगा, एच जितने में क्या है नया वाला, एच जितने में क्या है नया वाला, तो 0.052, सॉरी एच जितने में क्या है पुराना वाला, तो एच इंटू रो ओल्ड प्लस 0.052 एल इंटू रो न्यू, अगर आप इसको रीअरेंज करोगे, ठीक है, आप अगर इसको रीअरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आप इससे एल निकाल सकते हो, ठीक है, एल निकालने को बोला है, ठीक है, क्या बोला है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाय 500 psi, ठीक है, सॉरी कुछ इस तरह से हो रहा है, ये माइनस इज इक्वल टू रिड्यूस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपको दे के रखा है 500 psi, तो इसमें क्या हमें निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, अगर इसकी कैपेसिटी पता हो पाइप के इनसाइड की और मैं एल निकालूँ तो वॉल्यूम कितना होगा, कैपेसिटी इंटू लेंथ, ठीक है, अब ये सब पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ दीवाल क्या होगा, पाइप इनसाइड की कैपेसिटी इंटू लेंथ जितना, एल कैसे निकलेगा, वो बोल रहा है कि मैं 500 psi जितना क्या कर रहा हूँ, प्रेशर कम कर रहा हूँ, तो ये ओल्ड लिखो नया लिखो इज इक्वल टू रिड्यूस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब आप देख रहे होंगे इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ये 500 psi दिया है वो क्या है, रिड्यूस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, और इसमें ये वाला टर्म और ये वाला कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस, तो क्या हो जाएगा, एल इंटू रो ओल्ड माइनस रो न्यू दोनों दे के रखा होगा इंटू 0.052 इज इक्वल टू 500 psi, तो यहाँ से आप एल निकाल लोगे, यस निकाल लोगे, ठीक है, सब कुछ दे के रखा है, यहाँ से आपको एल मिलेगा, एल मिलेगा तो क्या करोगे, कैपेसिटी ऑफ पाइप के कहाँ पे डाल रहे हैं, इनसाइड पे डाल रहे, तो इनसाइड कैपेसिटी क्या होता है, पाइप का इनसाइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1295.4 इंटू एल करके ये क्या मिल जाएगा, आपको बैरल मिल जाएगा, ठीक है, ये कैपेसिटी है बैरल पर फीट, और उसको फिर से मल्टीप्लाई करो, ये और ये देखे रखा है, सिंपल आपने क्या किया, ओल्ड कंडीशन पे यहाँ पे जो पाइप के इनसाइड का हाइड्रोस्टेटिक था और न्यू कंडीशन पे आपको पाइप के इनसाइड का हाइड्रोस्टेटिक था, वो दोनों को आपने क्या किया, सब्स्ट्रैक्ट किया, तो इतना ही तो रिड्यूस होगा भाई, यस उतना ही तो रिड्यूस है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको लेंथ निकालने को पूछ सकता है, कुछ भी निकालने को पूछ सकता है, कुछ भी देके, ठीक है, तो आपको इस केस में लेंथ निकालना है, तो उससे वॉल्यूम ऑफ दी ऑयल कैपेसिटी से आप निकाल सको, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने देख लिया। अब इस मेथड में क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो फर्स्ट चीज़,
इसमें हमें स्लोली स्लोली वॉल्यूम ऐड करना होता है, तो वो वेरी स्लो है एंड टाइम पे डिपेंडेड है, ठीक है, टाइम पे डिपेंड रखेगा। दूसरी चीज़, हम ओवरऑल वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, और ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं और उसमें हमें भी क्या चाहिए, नया मर चाहिए, तो ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज करना अच्छी बात नहीं होता, ठीक है। फिर क्या बात करूँ, किक का आइडेंटिफिकेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, किक का आइडेंटिफिकेशन इसमें ऑलवेज डिफ़िकल्ट होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कब की किक आ गई और हमारी पूरी बाजी को पलट दिया, ठीक है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि ये मेथड का लेस यूज हो, ठीक है, ओके। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिडक्शन का क्वेश्चन भी देख लो, 12.3, कुछ करना नहीं है, दो पॉइंट पे, ओल्ड कंडीशन पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, न्यू कंडीशन पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सिंपल चीज में अगर एक मिनट में करना हो तो आप इतना देखो, इतना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऑयल है, यहाँ पे भी ऑयल है, ठीक है। डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पे क्या है ओल्ड वाली डेंसिटी और यहाँ पे क्या है ऑयल वाली डेंसिटी है, तो क्या हो रहा है, ओल्ड माइनस ऑयल की वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, 500 के इक्विवेलेंट, तो ये PSI में है और ये डेंसिटी में है, तो यहाँ पे क्या कर दो, 0.052 × L लिख दो और वहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, L। इतना सिंपल है, ठीक है, एक मिनट का काम है, वो अब आपके अप्रोच पे डिपेंड करेगा, बट ये मेथड में क्या हार्ड हो रहा है, कीक आइडेंटिफिकेशन हार्ड हो रहा है। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमने ऑयल ऐड किया तो यहाँ से ये बैक फ्लो करेगा, ठीक है, तो बैक फ्लो में हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है पाइप के इनसाइड वो रिमूव करते हैं, तो उस टाइम पे किक का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑयल डाला है, किया क्या है, यहाँ से ऑयल डाला ताकि यहाँ का जो प्रेशर था PA वाला वो कम हो गया, तो यहाँ से बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो होगा तो ये हाइट रिड्यूस होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, ये हाइट रिड्यूस होगी और जो ज़्यादा वॉल्यूम होगा वो क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। ज़्यादा वॉल्यूम जो रिमूव करेंगे उस टाइम पे अगर कीक आएगी तो आइडेंटिफाई करना हार्ड होगा, तो इस मेथड के ये डिसएडवांटेज है कि ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ रहा है, फिर से रिमूव करना पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ये डिफ़िकल्ट जॉब हो रहा है। तो इसके अल्टरनेटिव पे बात करते हैं दूसरी मेथड की, दूसरी मेथड है डिस्प्लेसिंग चॉक। डिस्प्लेसिंग द चॉक, व्हाट डज इट मीन, हम क्या करेंगे, चॉक का डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे, ठीक है, या कि चॉक की हेल्प से क्या करेंगे, हम चॉक की हेल्प से क्या करेंगे, हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। चॉक क्या होता है, चॉक होता है एक वाल, कैसा वाल, जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को, जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो देता है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, यूनिडायरेक्शनल फ्लो देता है, बट इट्स नॉट लाइक अ ऑन ऑफ वाल, ठीक है, आप फ्लो को चालू करो या बंद करो ऐसा वाल नहीं है, ये ऐसा वाल है जो फ्लो को कंट्रोल कर सके, मैं बोल सकता हूँ फ्लो को कंट्रोल कर सके ऐसा वाल है और कुछ नहीं है, ठीक है, ये कैसा वाल है जो फ्लो को कंट्रोल कर सके। मोर किस में कवर करेंगे, हम प्रोडक्शन में ये कवर करेंगे, बट अभी के लिए डिस्प्लेसिंग चॉक क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसिंग चॉक हमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे मान लो एक वाल है, चॉक है, यानी कि एक वाल है और ये पाइप के आ रहे फ्लो के साथ जॉइंट है, ठीक है, ये हमारी पाइप है और यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या है, अपनी BOP है, ठीक है। तो मान लो अपनी जो BOP है, ठीक है, अब ये एक ऑफशोर की बात कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है, ऑफशोर की, तो ये अपना क्या है, मान लो ये जो चौक है वो ऑलवेज कहाँ होगा, ये अपना प्लेटफॉर्म है, ठीक है, चलो अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ये अपना क्या है, कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म है, ये अपना प्लेटफॉर्म है। कई बार क्या करते हैं हम BOP को क्या करते हैं, ये अपनी जो सरफेस है
ये लैंड, यहाँ से लैंड स्टार्ट हो रही है, और ये यहाँ पे क्या है, सब वाटर है। क्या है यहाँ पे सब कुछ, क्या है, वाटर है। तो ऐसी कंडीशन है जहाँ पे यहाँ पे सब कुछ क्या है, वाटर है। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, वाटर है। तो चौक डिस्प्लेसिंग का मतलब है ये जो हमारा वाल है वो किसके साथ जॉइंट है, इस तरह से पाइप के साथ जॉइंट है, और यहाँ पे एक असेंबली होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं राइजर। ठीक है, दैट वी विल कवर लेटर ऑन, राइजर एंड ऑल क्या होता है, बट ये इसके आसपास राइजर लगा हुआ रहता है। तो अगर यहाँ पे हमारी क्या है, बॉटम होल असेंबली, सॉरी ब्लो आउट प्रिवेंटर है, वो कहाँ पे है, प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे मान लो ये एक तरह से ड्रिलिंग शिप है, ठीक है, इस तरह से ड्रिलिंग शिप है। तो ड्रिलिंग शिप पे नहीं है, बट कहाँ पे है, लैंड पे लगाया हुआ है। ठीक है, लैंड पे हमारा बीओपी सेट है। तो उसी कंडीशन पे हम क्या करेंगे, देखो पहले तो इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और चौक होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, चौक होता है वो फ्लो कंट्रोल के लिए ही तो यूज़ होता है, फ्लो कंट्रोल के लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा हैवी मड जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपना हैवी मड फील है। ठीक हैवी मड फील है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे जो ए पॉइंट है वहाँ का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमें अगर रिड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल मैनर से ये चौक को थोड़ा ओपन करके, थोड़ा ओपन करना उसका मीनिंग होता है कि वो यहाँ पे कुछ बैक प्रेशर डाल रहा होगा। ठीक है, बैक प्रेशर इन दी सेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मान लो यहाँ का कुछ प्री फॉर्मेशन का पोर प्रेशर है या रिजर्वायर का प्रेशर है, यहाँ से जब फ्लो आता था जैसे कोनिंग में देखा था, तो वो बॉटम होल प्रेशर को एक वैल्यू पे सेट कर देता था ताकि ये फ्लो कैसे हो, कंट्रोल मैनर से हो। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू से कम हो। सिमिलर वे में यहाँ से कोई फ्लूड आ ना जाए, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल मैनर पे यहाँ पे बैक प्रेशर भी डाला हुआ है चौक ने। क्यों, ये पूरा का पूरा फ्लो एरिया ओपन तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर पूरा का पूरा फ्लो एरिया ओपन कर दे तो ये हाइट क्या होगी, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, और यहाँ का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा, ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा और कीक आ जाएगी। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैक प्रेशर तो मेरा अप्लाई किया हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, चौक की हेल्प से फ्लो को क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इसकी हाइट रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हाइट रिड्यूस करने से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी रिड्यूस होगा। मान लो, अगर मान लो, अगर मान लो थोड़े टाइम के लिए, अब ये बीओपी क्यों हमने क्लोज किया, अगर बीओपी क्लोज नहीं करते तो यहाँ से भी तो फ्लो अपवर्ड उठ सकता था। ठीक है, फ्लो तो कहाँ होगा, जहाँ पे लेस प्रेशर उसको मिलेगा उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, तो वैसे भी तो हो सकता था, तो हमने क्या किया, हमने इसको क्लोज कर दिया ताकि यहाँ पे कोई फ्लो ना हो। ठीक है, यहाँ पे फ्लो ना हो और हमारा क्या रहे, अच्छा खासा कंट्रोल रहे। अब इसका एडवांटेज क्या है, अगर मान लो यहाँ से कीक आई, क्या हुआ, यहाँ से कीक आई, तो व्हाट वी डू, वी इमिडिएटली क्लोज दिस वाल। ठीक है, वी इमिडिएटली क्लोज दिस वाल, कौन सा कलर था, ब्लैक था। ठीक है, तो ये पाइप के यहाँ पे जो वाल था वो इमिडिएटली क्या हो जाएगा, चौक क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। चौक को क्लोज कर देंगे ताकि हमारी कीक क्या ना हो, यहाँ से अपवर्ड ना उठ सके, और इसको एन्यूलस को क्या कर देंगे, वी विल ओपन, सॉरी ये जो एन्यूलस है उसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारी जो कीक है वो कंट्रोल वे में हमारी वेल की हेल्प से ऊपर ना उठते हुए अगर आ भी रही है तो कहाँ चली जाएगी, एन्यूलस में, ये उतना ऊपर नहीं उठेगा। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ तक का उठेगा, उसके बाद फिर से हमने चौक को क्लोज कर दिया है, अगर चौक को क्लोज कर दिया है तो ये फिर से यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। रुको, क्या होगा, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो ये जो भी इन्फ्लक्स आ रहा है, यहाँ पे जो भी इन्फ्लक्स आ रहा है उसको वापस फिल कर देगा, या फिर जो थोड़ा बोड़ा थोड़ा बहुत आ गया है इन्फ्लुएंस तो वो क्या करेगा, बीओ की हेल्प से हम सरफेस पे लाके यूँ छोड़ देंगे। ठीक है, वो फिर उतना हार्मफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल वे में क्या हो रहा है, हमारा काम चल रहा है। बट एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें अमाउंट ऑफ रिडक्शन अंटिल वाटर डेप्थ, ठीक
ठीक है, कितना रिडक्शन कर सकते हैं, ये वाटर डेप्थ का हाइट तो हम नहीं रिमूव कर सकते ना, ठीक है, उसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो रहा है तो वो तो लगेगा ही, और दूसरी चीज़ इसमें उतना ज़्यादा रिमूवल नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ही लोअर लिमिट तक रिमूव कर सकते। तो ये था डिस्प्लेसिंग दी चौक, इजी कंट्रोल वे में हमने क्या किया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिमूव किया और डिफरेंशियल चक पाइप को हटा दिया। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ टू मच इम्पोर्टेंट एंड कॉल्ड दी यूट्यूब मेथड। अब जो ये वाली मेथड है वो सबसे ज़्यादा यूज होगी, यूट्यूब मेथड। अब हम बात कर रहे हैं, देखो इस तरह से हमारा है तो ये यूट्यूब क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगी, BOP होगी और यहाँ पे से हम प्रोडक्शन भी लेते होंगे, ठीक है। तो अभी तो ड्रिलिंग चल रहा है, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल के तौर पे स्टार्ट करता हूँ जो आपकी बुक में दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ यूट्यूब मेथड में, ठीक है, पूरा एग्जांपल कैलकुलेट करके दिया है। सो लेट स्टार्ट स्टेप बाई स्टेप, इस मेथड में हम स्टेप 1 से स्टेप 5 तक चलते हैं। स्टेप 1 पे क्या करेंगे, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दी स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है, सपोज इनिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, अब देखो ये एन्यूलस है, ये पाइप है, ठीक है, बी पॉइंट है वो एन्यूलस है और ए पॉइंट है वो पाइप है, तो ये इस तरह से एक यूट्यूब में है, यस, ये वाला क्या है बी पॉइंट और ये वाला क्या है ए पॉइंट, यहाँ पे मान लो इस तरह से यूट्यूब है तो ये इस तरह से फ्लो हो सकता है, ठीक है, ऐसा आपको मानना है कि ऐसे कुछ यूट्यूब है, ठीक है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। तो बी पे इनिशियली क्या है, मैं बोल रहा हूँ PB इज इक्वल टू PA और वो वैल्यू दे के रखी है आपकी बुक में 7291 PSI एग्जाम्पल में, ठीक है। सपोज इनिशियल प्रेशर ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक इक्वल टू एन्यूलस एज वेल एज दी पाइप, यानी कि ये जो PA है और ये P पाइप है वो दोनों इस लाइन पे क्या हो गए, इनिशियली इक्वल हो गए। कैसे इक्वल हो गए, मैं बोल रहा हूँ कि अभी इसमें ओल्ड मड प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या है ओल्ड मड प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से ले लो अभी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए चल जाएगा स्टेप 1। अब क्या करेंगे स्टेप 1 में, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने एक्स बैरल वाटर, ठीक है, एक्स बैरल वाटर एन्यूलस में ऐड किया, कहाँ पे ऐड किया, मानो अब मैं एन्यूलस में से वाटर एंटर करवा रहा हूँ, कितना बैरल, एक्स बैरल वाटर मैंने कहाँ पे ऐड किया, एन्यूलस में ऐड किया, तो वो क्या करेगा, एन्यूलस का पी हाइड्रो यानी कि इज इक्वल टू बी पॉइंट पे क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्या किया हमने, एन्यूलस में वाटर एंटर किया। अब ये एक्स बैरल बोल रहा हूँ तो एक्स बैरल को मैं अगर एन्यूलर की कैपेसिटी से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, एक्स को मैं एन्यूलर की कैपेसिटी से डिवाइड कर दूँ तो इन टर्म्स ऑफ हाइट मिलेगा, यस, तो ये हाइट मैंने क्या की, वाटर ब्लू कलर ले रहा हूँ वो मैंने क्या किया, यहाँ पे एंटर करवा दिया, ठीक है, एक्स बैरल जितना, तो ये हाइट कुछ होगी। वो कैसे कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी से आप वॉल्यूम को कैपेसिटी से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगी इजीली। तो ये एक्स जितने बैरल ने जो हाइट अचीव की होगी, ठीक है, जो हाइट अचीव की होगी तो अब एन्यूलस प्रेशर इतना ना रहते हुए कितना हो गया होगा, अब मैं बोल रहा हूँ प्रेशर एट पॉइंट बी कितना हुआ होगा, 7291 पहले इतना था जब पूरी हाइट काउंट होती थी और ओल्ड मट था, अब उसमें कितना होगा तो माइनस, अब ये टोटल, अब देखो वो मैं मान रहा हूँ डायरेक्टली आप गिन सकते हो, आगे एक एग्जांपल किया उस हिसाब से गिन सकते हो, अब वो हो जाएगा इतना PSI, ठीक है, तो आपको रिड्यूस अमाउंट कैसे मिलेगी, आगे भी बताया था, देखो फर्स्ट केस में इतनी एल की बात करूँ तो ये तो एच पे तो वही फ्लूड है बट एल में फ्लूड चेंज हो रहा है, तो एल जितनी हाइट पे 0.052 की वजह से क्या होगा, ओल्ड मड माइनस रो ऑफ दी वाटर, ठीक है, इस तरह से रिड्यूस वैल्यू मिल जाएगी, उसको आप 7291 में से सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कितना मिलेगा, ये वाला मिलेगा, आप एग्जांपल देखते चलो, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब
जो अपना एल है, ठीक है, एल जितना हाइट जितना क्या आयु गया होगा, ए अब क्या होगा, पीबी पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो चुका होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टेप टू पे, ठीक है, स्टेप टू की। ये यूट्यूब मेथड डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत अच्छी खासी मेथड है। अब क्या हुआ, अब कुछ हुआ कि जो पाइप का प्रेशर था वो बढ़ गया। पाइप पे अभी कितना है, ए पॉइंट पे प्रेशर है 7291 जितना, और बी पॉइंट पे हमने रिड्यूस कर दिया है इतना, ठीक है। हमने क्या किया, इतना प्रेशर रिड्यूस कर दिया। तो पी ए ग्रेटर देन पी बी है, पी ए ग्रेटर देन पी बी है, तो अब क्या करवाना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पी ए ग्रेटर देन पी बी है, अब ये बी पॉइंट, ए पॉइंट का प्रेशर बढ़ चुका है तो ये इस तरह से फ्लो करवा देगा, ऑब्वियसली बात है। तो पी ए ग्रेटर देन पी बी होगा तो रिवर्स फ्लो हो जाएगा ए टू बी, इन दिस सेंस पाइप टू एन्यूलस में क्या होगा, फ्लो होगा, और उससे क्या होगा, ए में मड हाइट क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, ए में मड हाइट क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, हाइट रिड्यूस होगी, तो ए में क्या होगा, प्रेशर भी रिड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो ये इस तरह से क्या कर रहा है, हमने यहाँ से बैक फ्लो दे रहा है, तब हमने ये वॉल्यूम क्या करना स्टार्ट किया, हमने ऊपर उठाना स्टार्ट कर दिया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ से जब फ्लो हो रहा है तो यह हाइट क्या होगी, इस पे जो फ्लूड था उसकी हाइट क्या होगी, मैं बोल रहा हूँ रिड्यूस होगी, क्यों, क्योंकि ये फ्लो इस तरफ, सॉरी, ये फ्लो इस तरफ हो रहा है उसकी वजह से। तो ये था अपना स्टेप टू। बट अब मैं बोलूँ कि ये कंट्रोल मैनर में होगा, यस, यहाँ पे तो हमारी अच्छी खासी असेंबली है जिसे हमने नाम दे के रखा है बीओपी, तो ये कम्प्लीटली क्या होगा, कंट्रोल मैनर में होने वाला है, ठीक है, क्या होगा, कंट्रोल मैनर में हो रहा होगा। तो अभी यहाँ से ये फ्लूड रिमूव कर रहे और इसकी हाइट रिड्यूस हो रही है, ठीक है, इसकी हाइट रिड्यूस हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एपीपी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो रहा होगा। स्टेप थ्री, अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है, ठीक है, अभी तो स्टेप थ्री आएगा। तो ब्लैक जो बैक फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो बैक फ्लो हो रहा है वो क्या करेगा, वाटर को एन्यूलस में से क्या करवा रहा है, वाटर को एन्यूलस में से रिमूव करवा रहा है, क्या करवा रहा है, वाटर को एन्यूलस में से रिमूव करवा रहा है, और साथ ही में क्या कर रहा है, ए पॉइंट पे यानी कि पाइप के इनसाइड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करवा रहा है, कम करवा रहा है। बट बट अब मैं बात करूं कि ये हाइट रिड्यूस हो रही है और हमने जो यहाँ पे वाटर डाला था वो हम क्या कर रहे हैं, अभी बैक फ्लो हो रहा है उसकी वजह से क्या करवा रहे हैं, रिमूव करवा रहे हैं, ठीक है, ये वाटर यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। बट इस कंडीशन पे आप सोचोगे इस कंडीशन पे, ये वाली कंडीशन है, ठीक है, ये वाले कंडीशन पे आप सोचो कि अगर जो ये वाटर था, लाइट वाटर था जो हमने एन्यूलस में ऐड किया था, अभी हाइट रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई फ्लूड प्रेजेंट नहीं है और ये हाइट भी, तो इतनी हाइट देखो पाइप की रिड्यूस हो चुकी है, तो ये जो ऐसे फ्लो हो सकता है तो क्या यहाँ से फिर से बैक फ्लो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हो सकता है, यहाँ से बैक फ्लो फिर से ना स्टार्ट हो उसकी वजह, वो अगर ये बैक फ्लो यहाँ पे ना कर दे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना वॉल्यूम हमने कितना डाला था यहाँ पे, एक्स बैरल जितना वाटर जो एन्यूलस में डाला था उतना ही हम यहाँ पे भी इनिशियली एंटर करवा देंगे। तो स्टेप थ्री क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम अल्सो एंटर्ड इनटू पाइप, इनसाइड पाइप। क्यों डालना है कि अगर हमने ओनली एंड ओनली यहाँ पे अगर वॉल्यूम डाला, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम डाला होता तो क्या होता कि जैसे ही ये हाइट रिड्यूस होगी,
ये हाइट रिड्यूस होगी और ये वाटर क्या हो गया होगा, यहाँ से हमने बैक फ्लो सॉरी ए टू बी फ्लो हो रहा है उसकी वजह से क्या कर लिया होगा, रिमूव कर लिया होगा। तो यहाँ पे फिर से पुरानी वाली कंडीशन है, नहीं अब क्या होगा पी बी ग्रेटर देन पी ए हो जाएगा। ऐसा ना हो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जितना हमने क्या किया था यहाँ पे डाला हुआ था वाटर, जितना हमने कहाँ पे डाला था एन्यूलस में डाला था, जितना वॉल्यूम हमने एन्यूलस में डाला था उतना वॉल्यूम यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। उतना वॉल्यूम क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एयर थी उसकी वजह से क्या आ गया, अब वाटर आ गया, तो फिर से वो बैक फ्लो नहीं करवा नहीं होने देगा, ठीक है। तो इक्वल वॉल्यूम कैसे काउंट करते हैं, हमने देखा था इक्वल वॉल्यूम कैसे काउंट करते हैं जब स्पेसर वाला किया था तब, इक्वल वॉल्यूम ऑल्सो एंटर्ड इन टू पाइप। तो कैसे काउंट करेंगे, एक्स बैरल कहाँ डाला था, एक्स बैरल कहाँ डाला था, एक्स बैरल हमने, अब देखो इक्वल वॉल्यूम नहीं है, सॉरी इक्वल वॉल्यूम नहीं, इक्वल हाइट मस्ट बी मस्ट अल्सो विद दी पाइप, पाइप में भी क्या होना चाहिए इक्वल हाइट होनी चाहिए, आगे देखा था वैसे ही। ये एच है, अगर ये बैलेंस है तो जो इसमें हाइट रिड्यूस हो रही है तो एच हाइट जितना फ्लूड उसमें भी वाटर होना चाहिए। तो कितना वॉल्यूम डालोगे, तो एक्स बैरल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे कैपेसिटी ऑफ एन्यूलस इज इक्वल टू, ये मिल गया फीट, ये पूरा क्या मिल रहा है फीट इंटू वाई बैरल में बोल रहा हूँ कहाँ पे डालना है पाइप में, कहाँ पे डालना है पाइप में, ये भी एच होना चाहिए, ये भी एच होना चाहिए, ठीक है। इक्वली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पाइप में भी हम रिड्यूस करवा रहे हैं, इक्वल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहाँ पे रिड्यूस करवा रहे हैं, एन्यूलस में भी रिड्यूस करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखो जो हमारी इनिशियल कंडीशन थी कुछ ऐसे जो कंडीशन थी, यहाँ पे ओल्ड मड था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ मैं क्या करवा रहा हूँ, इक्वल अमाउंट ऑफ दी वॉल्यूम क्या कर रहा हूँ दोनों जगह डाल रहा हूँ, इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम नहीं, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ दी वॉल्यूम दोनों जगह पे डाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ दी वॉल्यूम, इन दी सेंस यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैं वाटर डाल रहा हूँ जो एच हाइट जितना हो, और यहाँ पे और उतना ही वॉल्यूम कहाँ डाल रहा हूँ इनसाइड पाइप डाल रहा हूँ, तो ये दोनों क्या हो एच जितने हो, ठीक है। दोनों एच जितने हो तो हाइट इक्वल करनी है, ठीक है। ये एच इज इक्वल टू एच, ये किसकी बात है पाइप की बात है, और ये किसकी बात है एन्यूलस की बात है, ठीक है। क्यों ऐसा किया, ऐसा इसीलिए किया ताकि ऐसे फ्लो हो तब फिर से ऐसे फ्लो ना हो जाए। तो अभी की कंडीशन देखो, इनिशियल स्टेप में क्या कर रहे हैं, दोनों में इक्वल हाइट जितना वॉल्यूम एंटर करवा रहे हैं, ये पी बी है और ये पी बी है, तो पी ए इज इक्वल टू अभी भी क्या होगा पी बी होगा, ठीक है। कुछ ऐसा केस है, तो उसके लिए वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, वाई को कैसे डिवाइड करो, सॉरी यहाँ पे पाइप इनसाइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले रिलेशनशिप से जो हमने आगे भी यूज़ किया था, ठीक है, ये वाले इक्वेशन से अगर आपको एक्स पता है, आप एन्यूलस में कितना बैरल डाल रहे हो और कैपेसिटी तो पता ही होगी, तो वाई भी निकाल सकते हो, यस। तो हम एक्स जितना कहाँ डालेंगे, ये कितना वॉल्यूम है एक्स जितना, ये कितना वॉल्यूम है वाई जितना, एन्यूलस में कितना है एक्स जितना और पाइप के इनसाइड कितना है वाई जितना, दोनों कैसा वॉल्यूम है जो एच जितनी हाइट अटेंड करे, ठीक है। दोनों की कैपेसिटी डिफरेंट है तो हाइट अटेंड करे, और यहाँ पे हमने क्या किया स्टेप वन में, क्या किया स्टेप वन में, हमने एन्यूलस में इतनी हाइट का फ्लूड एंटर करवाया ताकि फ्लो हो इस साइड और बैक फ्लो फिर से ना हो, तो हमने पाइप के इनसाइड भी उतना इक्वल वॉल्यूम एंटर करवा दिया। अब क्या करेंगे, इसमें फिर से एक्स के साथ कितना प्लस एक्स जितना वाटर ऐड करेंगे, क्या करेंगे प्लस एक्स जितना फिर से, तो ये फिर से एच जितना वाटर ऐड करेंगे, उससे क्या होगा हमारा सिक्योरिटी के साथ पी ए ग्रेटर देन पी बी होगा, ये बैक फ्लो हो जाएगा, ये बैक फ्लो हो जाएगा, और यहाँ से इतना वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉल्यूम रिमूव हो जाएगा। बीओपी को अच्छे से इस्तेमाल करना है, ठीक है, बीओपी को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए हमारा वॉल्यूम यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और पीए और पीबी अब नया केस होगा, उसमें पीए और पीबी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और पीए इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू क्या मिलेगा
रिड्यूस द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। बुक में भी कुछ ऐसे ही दिया है, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर सकते हो बुक को। उसमें जो क्वेश्चन दिया है वो भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑपरेशन कितना हो कैसा है, ये सेफ है। तो चलो ब्रीफ करते हैं। फर्स्ट क्या करना है, कैन्यूलर में क्या करो, वी जितना वाटर एंटर करवाओ। सेकंड स्टेप में क्या करो, पाइप के इनसाइड क्या करो, वी जितना, ये वी एन्यूलर से और वी पाइप जितना वाटर एंटर करवाओ। ये दोनों वॉल्यूम कैसे होने चाहिए, एच इन एन्यूलस इज इक्वल टू एच इन क्या हो, पाइप हो। वो कैसे पता चलेगा, ये वी ए वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ द एन्यूलस, ये वी ऑफ पाइप डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ द पाइप। दोनों में एच इक्वली रिड्यूस करना है, ठीक है, हमें इक्वली रिड्यूस करना है, ठीक है। ए और बी पॉइंट पे इक्वली प्रेशर रखना है, तो इतना वॉल्यूम किया। थर्ड चीज़ क्या करो, एन्यूलस का जो वॉल्यूम काउंट किया था वो फिर से उतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम एन्यूलर में वी ए जितना फिर से एंटर करवाओ। फिर से एंटर करवाओगे तो अब कितना प्रेजेंट हो जाएगा, 2VA जितना। अब ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, PA लेस देन PA ग्रेटर देन PP हो रहा है, तो ये रिवर्स फ्लो यानी कि ब्रेक फ्लो A टू B देगा। और यहाँ पे BOP की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम उस फ्लूड को ऊपर उठा रहे हैं, तो ये बहुत सेफ्टी है। देखो सेफ्टी है, जैसे ही कुछ आपको गड़बड़ दिखे BOP क्लोज कर दो, ठीक है। और फिर अब VA जितना एन्यूलस में जितना वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया था वो रिमूव हो जाएगा, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू न्यू पी हाइड्रोस्टेटिक मिलेगा, और उसमें क्या मिक्स हो जाएगा, वाटर मिक्स हो जाएगा। तो ये यूट्यूब जो यूट्यूब हो रहा है प्रेशर डिफरेंस दोनों कॉलम में, उसकी हेल्प से हमने क्या किया, इस सेफली सेफ्टली ऑपरेशन में क्या किया, हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को रिड्यूस किया। ये पांच स्टेप आपको याद रखने, इस पे क्वेश्चन फॉर्म फ्रेम हो सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, दोनों साइड पहले रिड्यूस कर दो। ए पॉइंट और बी पॉइंट पे क्या करो, आप ए पॉइंट और बी पॉइंट पे प्रेशर रिड्यूस कर दो, एंड उसके बाद बी एन्यूलस में फिर से प्रेशर कम कर दो, ताकि जो एक्स्ट्रा ऐड किया वॉल्यूम है वाटर का वो रिमूव हो जाए और पी और ए में इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिश हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एन्यूलस में वाटर डालोगे, तब क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा और वाटर हाइट क्या होगी, ए में कम हो जाएगी। फिर से उसमें क्या डाल दोगे, उतना ही हाइट अचीव करे जितना हाइट एन्यूलस में था, उतना हाइट का वॉल्यूम ही पाइप के इनसाइड फ्लूट कर दोगे, पाइप के इनसाइड फ्लूट कर दोगे, तो फिर क्या होगा, और फिर से जो आगे एन्यूलस वाला वॉल्यूम काउंट किया था वो कहाँ पे, एन्यूलस में फिर से डाल दोगे, तो अब क्या होने वाला है, दोनों साइड प्रेशर फिर से इक्वल ना रहते हुए क्या हो जाएगा, फिर से थोड़ा बहुत एडिशनल वॉल्यूम क्या कर लो, जो बच रहा है उसको प्रोड्यूस कर दो। तो दोनों जगह पे हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिड्यूस कर दिया कंट्रोल मैनर में। तो ये था हमारा यूट्यूब इफेक्टिव, ठीक है। और थर्ड मेथड है वो होता है स्पोर्टिंग पाइप रिलीजिंग मेथड। क्या आप ऐसा मटेरियल यूज़ करो जो क्या कम करे, पाइप और जो स्टिक पाइप होती है हमारी, ठीक है। इस तरह से मान लो ये पोरस जोन है और यहाँ पे जो पाइप इस तरह से स्टिक हो रही है, तो आप इसमें ऐसा एजेंट डालो कि ये क्या करे, यहाँ का कांटेक्ट का क्या हो कम, फ्रिक्शन कम करे, क्या करे, यहाँ पे क्या कम करे, फ्रिक्शन को क्या करे, रिड्यूस करे, तो उसे क्या कहेंगे, स्पोर्टिंग पाइप रिलीजिंग मेथड। तो उसमें सर्फेक्टेंट यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा, ये क्या था हमारा, फर्स्ट डिफरेंशियल स्टिकिंग, ये थी हमारी डिफरेंशियल स्टिकिंग। सो आफ्टर डिफरेंशियल स्टिकिंग लेट्स डिस्कस ऑन द मैकेनिकल स्टिकिंग, ठीक है। मैकेनिकल स्टिकिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हमने कंप्लीट किया, अब बात करते हैं मैकेनिकल स्टिकिंग की। सो मैकेनिकल स्टिकिंग में पहले बात करेंगे, अब देखो कहीं पे भी पाइप स्टक हो रहा है, मैकेनिकल स्टिकिंग में क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं,
नो सर्कुलेशन ऑफ द मड, मड ही सर्कुलेट करना बंद हो जाएगा। डिफरेंशियल स्टिकिंग में क्या होता था, मड सर्कुलेशन ओपन रहता था, पाइप तो उसमें भी नहीं हिलता था, इसमें भी नहीं हिलेगा, बट इसमें सर्कुलेशन क्या होगा, स्टार्ट रहेगा। सर्कुलेशन क्या होगा अपना, स्टार्ट रहेगा, सॉरी इसमें सर्कुलेशन नहीं होगा, बट प्रीवियस वाले में सर्कुलेशन होता था। तो चलो छोटे मोटे प्रॉब्लम पहले ले लेते हैं। फर्स्ट कहते हैं होल पैकअप। व्हाट डज इट मीन होल पैकअप? होल पैकअप इन दी सेंस, हमने इस तरह से केसिंग किया हुआ था और अब हम यहाँ पे पहुँचे, जब हम यहाँ पे ड्रिल कर रहे थे तो यहाँ पे मान लो कुछ फॉर्मेशन था जो इंस्टेबल हुआ और इसमें गिर गया और ये पूरे होल को क्या कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। क्या कर दिया हमने, होल को इस तरह से ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, होल को क्या कर दिया, पैक कर दिया। होल को क्या कर दिया, पैक कर दिया। तो ऐसे कौन कौन से कोजिस है जो ये करते हैं, तो फर्स्ट चीज़ में बात करूँ सेटिंग ऑफ द कटिंग, हमारे कटिंग का सेटल डाउन होना, सेटिंग ऑफ द कटिंग। तो सेटल कटिंग कब मिलते हैं भाई, कोई बताएगा सेटल कटिंग कब मिलेंगे? जब हमारा फ्लूड यहाँ पे जो कटिंग ड्रिल हुए है, सपोज करो यहाँ पे जो कटिंग ड्रिल हुए है उसको इफिशियंसीली नहीं उठा पा रहा होगा, तब क्या होगा, सेटल कटिंग मिलेंगे, यानी कि इम्प्रॉपर क्लीनिंग। क्या होगा, इम्प्रॉपर क्लीनिंग। क्या होगा, इम्प्रॉपर क्लीनिंग। सेकंड चीज ज़्यादा ये कब वो होगा, जब डेविएटेड वेल होगा। क्यों, डेविएटेड वेल में क्या होता है, इस तरह से अगर हमारा वेल डेविएटेड किया हुआ है, ठीक है, तो ये फ्लूड दोनों साइड जब निकल रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें इफेक्टिवली क्या होगा, डाउनवर्ड ग्रेविटी होगी। तो जितना डेविएटेड होगा तो यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा होके क्या करेंगे, ये होल को पैक करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको बता दिया कि मड की वेलोसिटी, जो एन्यूलर में मड को वेलोसिटी मिल रही है, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी से कम हो जाए तो भी क्या होगा, नहीं उठा पाएगा। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई बता सकता है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर कटिंग जमा हो रहे हैं तो पी हाइड्रो क्या होगा, बढ़ जाएगा, आर ओ पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सा रीज़न है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगा, फील भी लगेगा, टॉर्क भी ज़्यादा लगेगा और ड्रैग भी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब जब भी हम ओवरपुल करेंगे, ओवरपुल अचीव होगा, यानी कि जब भी हम इसको पुल करेंगे तब क्या फील होगा, ड्रैग फील होगा, ठीक है, ड्यू टू ड्रैग इसमें एक्सेसिव ओवरपुल लगेगा फिर, ठीक है, और फॉर्मेशन ब्रेकडाउन। तो ये तो इजीली पता चल रहा है, ठीक है, ये सब पैरामीटर तो आप इजीली बता दोगे, आर ओ पी कमी होगी भाई, क्योंकि अब यहाँ पे कटिंग्स है तो उसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब ओवरपुल के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ड्रैग फोर्स, तो वो भी ज़्यादा लगेगा, टॉर्क भी इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिट को घुमाने के लिए ज़्यादा आर पी एम लगेगा भाई, सिंपल सी चीज़ है। तो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड चीज़ इसके कोज की क्या होती है, सेल की इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी किसकी वजह से, अब सेल होता है वो कई बार अनकंसोलिडेटेड रह जाता है, ठीक है, वो क्यों रहता है वो हमने देखा था, सेल कई बार अनकंसोलिडेटेड रहता है तो वो कैसा होगा, ब्रिटल, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, तो उससे क्या होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इस तरह से मान लो ये सेल का फॉर्मेशन है और अगर हमने इसमें से ड्रिल करके हुए रखा है, यहाँ पे मान लो हमने ये बड़ा सा इस तरह से ड्रिल किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल है जो सेल है, सो सेल यहाँ पे क्या होगा, गिर जाएगा, यहाँ पे क्या कर देगा, केविंग कर देगा। तो ऐसा अगर हो रहा है तो भी क्या हो रहा है, हमारा होल पैकअप हो रहा है, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगेन सेम चीज़, ठीक है, ड्रैग लगेगा इसमें लार्ज। अब देखो इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि सेल जब ब्रिटल होता है तो वो लार्ज कटिंग देता है, कुछ इस तरह से बिखरे बिखरे हुए लार्ज ब्रिटल कटिंग, ठीक है, लार्ज एंगुलर स्प्लिंटरी कट केविंग, ठीक है। सो
क्या होगा, कटिंग्स हो गए, उसका शेप जो कटिंग हो गए वो दिखने में बड़े लगेंगे, बट उसका अगर आप हाथ में लोगे तो बहुत ही हल्के फुल्के हो गए, जैसे कि हमारा कोल होता है, ठीक है, वैसे कटिंग्स मिलेंगे। तो कटिंग से आइडेंटिफाई हो जाएगा ये वाला। सेकंड चीज़ इसमें ही आगे आपको दिया है सेल स्वेलिंग। अब मैं इसमें बात ना ही करूँ तो अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको स्वेलिंग बहुत अच्छे से समझाई है, क्ले उसमें प्रेजेंट होता है उसकी वजह से वो स्वेल कर जाता है। तो ये क्या करेगा, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये भी ये क्या करेगा, डेटा को फ्लक्चुएट करेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें ड्रैग बढ़ेगा, ये क्या करेगा, डेटा को फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। टॉर्क, ये क्ले की स्वेलिंग है, टॉर्क और वो फ्लक्चुएट ज़्यादा होगा, बढ़ेगा घटेगा। बट प्लास्टिक विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि क्या होता था, डिस्पर्सन होता था, और डिस्पर्सन में क्या होता है, प्लास्टिक विस्कोसिटी इंक्रीज, जेल स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। फ्लक्चुएटिंग पंप प्रेशर, सर्कुलेशन रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। पहले देखो स्वेल स्वेल नहीं हुआ था तब कुछ इस तरह से, देखो कुछ इस तरह से था, ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारा होल था, बट जैसे ही स्वेल होगा, जैसे ही स्वेल होगा क्या कर रहा है, ये कुछ इस तरह से, सो सर्कुलेशन का पाथ क्या कर रहा है, ये ब्लॉक करवा रहा है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें ही बात करूं तो अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन, यू नो अबाउट अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन, यू कैन रीड ऑल दिस फ्रॉम दी बुक, बट मैंने आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है। अनकंसोलिडेटेड क्या होता है कि जो हमारा फ्लूड है वो एस्केप ना कर जाए, ठीक है। तो अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन क्या करता है, आरओपी को इंक्रीज कर देता है, टॉर्क फील और वो सब भी इंक्रीज कर देता है। पूरा फर्स्ट चैप्टर हमने इस पर डिस्कस किया है, सो आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस एनी मोर ईयर, ठीक है। यू कैन रीड फ्रॉम दी बुक दैट वेल इनफ, ठीक है। ये इसकी रिमिडीज क्या हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरेट को रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। फ्लोरेट को क्यों रिड्यूस कर सकते हो और कौन से फ्लोरेट को रिड्यूस कर सकते हो, जो हमारा मर्ज सर्कुलेटिंग फ्लोरेट है उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कटिंग्स हो गए, अनकंसोलिडेट में कटिंग्स हो गए, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, कम होगी तो कम वेलोसिटी से काम चल जाएगा, कम वेलोसिटी से काम कर चल जा रहा है तो मर्ज को क्या करेंगे, हम फ्लोरेट को रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट वन इज दी, ये पैकअप की बात कर रहे हैं, ठीक है, होल किस किस तरह से पैकअप हो सकता है, सीमेंट ब्लॉक, ठीक है, सीमेंट ब्लॉक भी हो सकता है कि भाई जब हम सीमेंटिंग कर रहे हो और तब मैंने आपको बताया था उसका एक थिकनिंग टाइम होता है, अगर थिकनिंग टाइम से पहले, थिकनिंग टाइम हमें डिज़ाइन करना होता है कि जब भी हमारी पूरी स्लरी केसिंग के आसपास क्या हो जाए, केसिंग के आसपास पहुंच जाए, उसके बाद ही वो सेट होना चाहिए, बट ये इन बिटवीन सेट हो रहा है तो भी होल को पैकअप कर रहा है। जंग कुछ इसमें गिर रहा है, हमारे इक्विपमेंट सरफेस पे रखे हुए वो इसमें गिर रहे हो, और सपोज करो इस तरह से पाइप है और इसके आसपास क्या हो रहा है, यहाँ पे अटक जा रहा है तो क्या कर रहा है, ये भी पैकअप कर रहा है। फ्रैक्चर्ड एंड फोल्टेड फॉर्मेशन किस तरह से पैकअप करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। फ्रैक्चर्ड एंड फोल्टेड फॉर्मेशन, सो क्या होता है, फेल्ट कहीं पे फ्रैक्चर क्रिएट हुआ है, मोस्टली कार्बोनेट के साथ होता है जिसमें सेकेंडरी पोरोसिटी अच्छी होती है, तो कार्बोनेट के साथ क्या होता है, फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। अब फ्रैक्चर हो रहा है तो लार्ज और इरेगुलर कटिंग मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है, और फ्रैक्चर हो रहा है तो इसमें क्या होगा, मर्ड हमारा लॉस्ट सर्कुलेट हो जाएगा। लॉस्ट सर्कुलेट क्या बताया था आपको, ये हमारा सर्कुलेशन कुछ होता है, इसमें से जब भी सर्कुलेशन हो रहा हो और यहाँ पे फ्रैक्चर हो तो इसमें हमारा पूरा मड की स्लरी चली जाएगी, तो उसे क्या कहते थे, लॉस्ट सर्कुलेशन। तो ये भी एक तरह से प्रॉब्लम है, लॉस्ट सर्कुलेशन हो रहा है तो यहाँ पे अगर कुछ डैमेज हो रहा है तो हमारा होल क्या कर रहा है, फिलअप हो रहा है, तो फ्रैक्चर भी एक तरह से क्या होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है। जब भी फ्रैक्चर होगा तब आरओपी क्या होगी, आरओपी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि फ्रैक्चर हुआ है तो ऑलरेडी इसकी स्ट्रेंथ क्या है, अभी के लिए इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है, तो आरओपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। और जब भी फ्रैक्चर होता है, सपोज करो ऐसे फ्रैक्चर है और हम यहाँ पे फिशर बोलना ज़्यादा है, ओके रहेगा, फ्रैक्चर से अच्छा फिशर, फिशर यानी नेचुरली अकरिंग फ्रैक्चर, तो फिशर है और वहाँ पे अगर हम ड्रिलिंग कर रहे तो क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा डेटा पूरा फ्लक्चुएट होगा, ये पूरी ड्रिल स्ट्रिंग
वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। क्या स्टार्ट कर देगी? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये 1 2 3 4 5 पहला रीजन था मैकेनिकल में होल पैकअप होना, उसमें ए बी सी फर्स्ट देखा, सेटिंग कटिंग्स, सेल इंस्टेबिलिटी, देन अनकंसोलिडेटेड, फ्रैक्चर्ड सीमेंट ब्लॉक एंड जंग, 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए। सेकंड चीज़ बात करते हैं, ये थी मैकेनिकल स्टकिंग में फर्स्ट होल का पैकअप होना। सेकंड चीज़ इसमें देखे रखा है वो है की सीटिंग। अब जब भी हम डायरेक्शन ड्रिलिंग करते हैं इस तरह से, हमारी पाइप है और ये हमारा बीट है जो कटिंग को कट कर रहा है, और मान लो ये कुछ इस तरह से क्या है अपना होल है। जब भी हम इसको पुल कर रहे होंगे ऊपर से, तो ये क्या ऐसे पुल होगी? नहीं, ये क्या करेगी, ये यहाँ से ऊपर उठ जाएगी और यहाँ पे क्या कर देगी इस तरह से, ये क्या होगी ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, एवरी पॉइंट पे, और यहाँ पे कांटेक्ट बना देगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से क्या कर रही है, डेविएटेड वेल में जब भी पाइप को अपवर्ड साइड पुल कर रहे हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पे वॉल की अपर साइड की जो सरफेस है, क्या है, अपर साइड की सरफेस है, वहाँ पे क्या कर रही है, स्टिक हो रही है। तो इसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं कि स्टिकिंग कहते हैं, ठीक है। तो डेविएटेड वेल सॉफ्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मेशन अगर सॉफ्ट होगा तो यहाँ पे इसके आसपास पूरा का पूरा फॉर्मेशन आ जाएगा। अब एक बात बताओ, जब भी की स्टिकिंग होगा यानी कि जब भी हमारा बॉटम होल असेंबली या ऐसा कुछ यहाँ पे स्टिक हो रहा है, तो इसमें सर्कुलेशन स्टार्ट रहेगा। यस, ऑब्वियसली इसमें सर्कुलेशन तो फ्री ही होगा, बट क्या होगा, जब भी आप पाइप को ऊपर खींचने की ट्राई करोगे, तो ये ऊपर उठाने की ट्राई करता है, तो यहाँ पे क्या है, ड्रैग फील हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जब ऊपर करो तब, ठीक है। बट अगर आप इसको डाउनवर्ड कर रहे होगे, अगर आपको यहाँ से आगे बढ़ना है ड्रिल करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली इसको डाउनवर्ड मोमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड मोमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी, बट अपवर्ड साइड के मोमेंट में क्या होगा, ये यहाँ से चिपक चिपक के चल रहा होगा, तो क्या होगा, ज़्यादा ट्रैक लगेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को स्टिकिंग कहते हैं, की स्टिकिंग कहते हैं। इसको की स्टिकिंग क्यों कहते हैं, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा इसका टॉप व्यू देख रहा होगा, ठीक है, तो ये मेरी पाइप है, ये मेरी क्या है, पाइप है, और यह यहाँ पे स्टिक हुई होगी। तो ये बच्चों को खेलने में छोटी छोटी ऐसी की होती है, ये की का शेप हो रहा है, ठीक है, ये सर्कल मेरी पाइप है और यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे जो पाइप का पोर्शन स्टिक हुआ है इस तरह से कुछ, तो ये चाबी जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो की जैसा दिख रहा है टॉप से, ठीक है, वो तो सब ठीक है, चलो मजाक की बात है, मजाक की नहीं हकीकत है, बट वैसे भी तो आपको क्या याद रखना है, इसमें सर्कुलेशन तो हो सकता है, ठीक है, सर्कुलेशन तो इसमें फ्री होता है। दूसरी चीज़, इसको जब अपसाइड खींचते हैं तो ही ये यहाँ पे फोर्स डाल रहा है, जब भी डाउनवर्ड डालेंगे तो ये नीचे की ओर जाने की ट्राई करेगी, ठीक है, नीचे की ओर, और वो यहाँ पे आके नहीं स्टिक होगी, ठीक है, वो इजीली ड्रिलिंग करेगा, तो डाउनवर्ड मोमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड इजीली डन, बट अपवर्ड जब खींचने की ट्राई करेंगे तो वो नहीं उठ पाएगा, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई के लिए याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये की स्टिकिंग प्रॉब्लम था। सेकंड प्रॉब्लम हम डाउन, ये दूसरा प्रॉब्लम था, फर्स्ट था पैक होल, दूसरा था हमारा की स्टिकिंग, थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं टाइट होल किसे कहते हैं, वेट, तो की स्टकिंग में ही टाइट होल जैसा टर्म आता है। नॉर्मली आपको बोल दूं, टाइट होल पोजीशन यानी कि नॉर्मली जो हमारी ड्रिल स्ट्रिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है, बट ये दोनों के बीच में क्या आ जाता है, ये मान लो ड्रिल कॉलर है और ये ड्रिल पाइप है, तो ये दोनों को कौन ज्वाइंट करता है, टूल ज्वाइंट ही तो क्या करता है, हमारा क्या करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से वेल ड्रिल करके रखा है, ठीक है, कुछ
इस तरह से वेल ड्रिल करके रखा है। तो जैसा की स्टिकिंग में होता था, ये वाला फॉर्मेशन टाइट फॉर्मेशन कब होगा, टाइट होल, सॉरी फॉर्मेशन नहीं, टाइट फॉर्मेशन तो वो फॉर्मेशन जिसकी परमेबिलिटी कम हो, यहाँ पे मैं टाइट होल की बात कर रहा हूँ। टाइट होल यानी कि ये जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे चिपक रहा था और ड्रैग क्रिएट कर रहा था, ठीक है, वैसे ही इस केस में क्या होगा, जब भी हम ड्रिलिंग कर रहे होंगे, ठीक है, जब भी हम इसमें से कुछ पसार कर देंगे, ठीक है, इनसाइड डालेंगे, तो यहाँ पे टूल जॉइंट है तो वो इजीली, बड़ा ले लेता हूँ थोड़ा, तो वो इजीली चला जाएगा। बट जब भी आप इसको ऊपर खींचने की ट्राई करोगे, क्या करोगे, ऊपर खींचने की ट्राई करोगे, ठीक है, ये जब भी डाल रहे होंगे तो ये एंगल, किसी एंगल पे हमें डालना है तो हम वहाँ पे व्हिप स्टॉक यूज़ करके इजीली उसको एंगल प्रोवाइड कर देंगे। पर जब भी ऊपर उठाना होगा तब क्या होगा, तब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, तब टाइट होल फील होगा। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से अगर इसको आप ऊपर उठाओगे तो मैंने क्या बोला, ये अपवर्ड साइड मूव हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन अगर आप देखो तो ये वाला पोर्शन जब भी आप इसको ऊपर उठा रहे होगे तो ये यहाँ पे, यहाँ से इसको अब ऊपर, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये अब यहाँ पे स्टक हो जाएगा, ठीक है, फिर मूवमेंट नहीं कर पाएगी पाइप। तो ऐसी कंडीशन को टाइट होल कहते हैं। और टाइट होल के लिए क्या बोला मैंने आपको, टाइट होल के लिए आपको क्या करना है, ये पाइप को टेंशन में कम रखना है, टेंशन कम करना है और कंप्रेशन ज़्यादा देना है। टेंशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमने हैवी वॉल ड्रिल पाइप देखा तब मैंने टेंशन बोला था, पाइप बेंड ना हो उसके लिए हम पाइप को टेंशन में रखते हैं। बट यहाँ पे टेंशन कम करना है, क्यों टेंशन इसीलिए कम करना है कि ये जितना इस तरह से राउंड से अचीव करेगा उतना इजीली ये ऊपर उठ पाएगा। और अगर आपको पता चल रहा है कि ये यहाँ से नहीं उठ रहा है तो आप क्या करो, इसको फिर से लोअर ले जाओ, इसको लोअर ले जाओ जहाँ तक ये रोटेशन फ्रीली कर सके, यानी कि इसको लोअर ले जाओ, ये रोटेशन फ्रीली कर सके, फिर उसका टेंशन कम करो और ऐसे बेंड करके पाइप को क्या करो, बेंड करके आप ऐसे पाइप को ऊपर उठाओ, ठीक है, टेंशन कम करके बेंड करके क्या करो, पाइप को ऊपर उठाओ, यानी कि टाइट होल का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये भी एक तरह से प्रॉब्लम था। आगे बात करते हैं मोबाइल फॉर्मेशन, कौन क्या होता है मोबाइल फॉर्मेशन, हेलाइट होता है, ठीक है, यानी कि NaCl, आपको बोला था विस्कस लिक्विड बन जाता है, ठीक है, क्या होता है विस्कस लिक्विड जैसा बना लेता है, और विस्कस लिक्विड तो फ्लो हो सकता है, तो इस तरह से सॉल्ट ड्रम क्रिएट करता था, ठीक है। तो एक था हेलाइट, तो ऐसे सॉल्ट को अगर आपको कंट्रोल में रखना है, ऐसे सॉल्ट को आपको कंट्रोल में रखना है तो आपको पता है हेलाइट कब मूव करता है, आपको बताया था मैंने कि इसकी वाटर के साथ सोल्यूबिलिटी, वाटर के साथ क्या होता है, सोल्यूबिलिटी वेरी हाई होती है। तो जब भी इसके कॉन्टेक्ट में वाटर आएगा, हेलाइट इसके साथ सोल्यूबल होकर क्या होना स्टार्ट कर देगा, फ्रीली क्या हो जाएगा, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा और मूव करना वाटर के साथ डिजोल्व होकर मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही उसमें डोलोमाइट है या फिर कुछ भी इंप्यूरिटीज़ आ जाएगी, जिप्सम है, ऐसी इंप्यूरिटीज़ आ जाएगी, जिप्सम या डोलोमाइट जैसी इंप्यूरिटीज़ आ जाएगी, जब भी उसमें ये सारी इंप्यूरिटीज आ जाएगी तो उसकी वाटर के साथ सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी और क्या कर देगा, वो प्रेसिपिटेट कर देगा, ठीक है, वो क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा वहाँ पे, वो प्रेसिपिटेट कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। तो ऐसे फॉर्मेशन को कंट्रोल में रखना है तो उसका क्या करना चाहिए, वाटर के साथ कॉन्टेक्ट आना कम करना चाहिए, वो कैसे कर सकते हैं, ऑयल बेड मड यूज़ करके, ठीक है। तो ऐसे पूरी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है, तो यही बात थी। सो सॉल्ट क्या होता है कि ये इस तरह का कोई, सपोज करो ये यहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिटेड है और हमने यहाँ से इस तरह से ड्रिल किया हुआ है, ठीक है, अभी केसिंग नहीं लगाई है, ओनली ड्रिल किया है इसमें से, तो क्या होगा, ये सॉल्ट होता है तब ड्रिल होता है तब ये इतना पोर्शन इसका यहाँ पे केविंग की तरह, ठीक है, यहाँ पे केविंग की तरह क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जब केसिंग लग जाएगी तब तो कोई इश्यू नहीं है, बट केसिंग नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ पे ये पूरा के हो जाएगा जो इसको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो ये इसीलिए हमें सॉल्ट को क्या करना है,
बहुत अच्छे से जहाँ भी शॉर्ट फॉर्मेशन हो वहाँ पे अच्छे से ड्रिलिंग करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये क्या करेगा, सपोज़ करो कि अब केसिंग है, सपोज़ करो ये मेरा क्या है, केसिंग है, तो यहाँ पे अगर मान लो शॉर्ट फॉर्मेशन है, क्या है, शॉर्ट फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि शॉर्ट तो क्या होता है, वेरी लेस डेंस होता है, और यहाँ पे इंटरनल फोर्स क्या हो रहा है, बर्स्ट हो रहा है, ठीक है, बर्स्ट का कंडीशन भी ध्यान में रख के हुए चलना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, आपको बहुत ही अच्छे से ये मालूम होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको इंटरनल प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, इंटरनल प्रेशर हो सके उतना लेस रख के आपको क्या करना है, ड्रिलिंग करना है, ठीक है, इंटरनल प्रेशर हो सके उतना लेस रख के, और हाई सीमेंट, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो सीमेंटिंग कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि ये सॉल्ट ये हमारी केसिंग को डैमेज ना कर सके, ठीक है। सो अब मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कौन सी कैसी पाइप चूज़ करनी चाहिए, तो जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो हो, ठीक है, कैसी पाइप यूज़ करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो हो, क्यों, क्यों, क्योंकि अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ लेस होगी तो मान लो कोई भी कोलैप्स किया है या बर्स्ट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लो ये बहुत ही हार्ड पाइप है, ठीक है, तो हार्ड पाइप यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, इसकी इंक्रीजेबल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सपोज़ करो एक्सटर्नल प्रेशर बहुत बढ़ गया तो ये पूरा क्या कर देगा, यहाँ पे कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। बट उसके सामने लो टेंसाइल वाली पाइप होगी, कैसी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली पाइप होगी, तो क्या होगा, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली पाइप होगी तो वो ब्रेक नहीं होगी, वो इस तरह से मुड़ जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जो इम्पैक्ट डाल रहा था ये बहुत ही उसका रेजिस्ट करने वाला मटेरियल था, तो ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा, बट ये तो पहले से ही हल्का था तो वो अपना फॉर्म चेंज कर देगा, और जैसे ही फॉर्म चेंज करेगा एक्सटर्नल प्रेशर जो यहाँ पे लग रहा होगा उसका देखो अब सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है, इस तरह से हो रहा है तो देखो अब कितना ज़्यादा सरफेस एरिया था, पहले ये स्ट्रेट लाइन से ये क्या है, इसका एरिया तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा ही होगा, और हमें पता है कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ता है तो प्रेशर का इफेक्ट कम होता है, तो हमें ऑलवेज क्या याद रखना है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली, ऐसे जहाँ पे भी कोलैप्स का क्राइटेरिया अच्छा खासा ना हो, हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स में बहुत ही फ्लक्चुएशन आ रहा है या इंटरनल फोर्स में, तो उस टाइम पे लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली पाइप यूज़ करो, यानी कि वो फेल ना हो, डायरेक्टली फेल ना हो, अगर यहाँ पे हार्ड पाइप होगी तो वो कैसे, आइदर हमारा फैन 5 पे ओपन रहेगा या क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ना तो वो 2 पे घूम सकेगा ना वो 3 पे घूम सकेगा, अब हमें गर्मी उतनी लग रही है कि हमें 3 पे फैन घुमाना है तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, वैसा ही केस यहाँ पे हो रहा है, देखो आइदर ये इसको पूरा रेजिस्ट करेगा या फिर ये बढ़ जाएगा, जब भी ये बढ़ जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, वो पहले ऐसा शेप डिफॉर्म करेगा, ऐसा शेप लेगा, फिर ऐसा शेप लेगा, और जब कंडीशन बहुत रफ हो जाएगी तब ये टूट जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी पाइप यूज़ करोगे, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली पाइप यूज़ करोगे, ओके, सो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली पाइप बेंड नहीं होगी, डायरेक्टली टूट जाएगी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली बेंड हो जाएगी तो टूटेगी नहीं जल्दी, ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये बात थी, ठीक है ना, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। आगे बात करते हैं अंडर गोज होल, ठीक है, कई बार क्या होता है, हम रिमर क्यों यूज़ करते थे, हमारे गोज होल को अगर छोटा बन रहा है तो बड़ा बनाने के लिए, ठीक है, और ऐसा क्यों फॉर्म होता है कि भाई जो अब हमारा बीट है, अब हमारा बीट है उसके कटर को ज़्यादा वियर लग गया हो, ठीक है, ज़्यादा वियर लग गया हो तो वो जो ड्रिल करेगा वो कुछ इस तरह से वेल को ड्रिल कर देगा, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे देखो अंडर गोज चला गया, क्यों, क्योंकि जो बीट था हमारा जो यहाँ पे ड्रिल कर रहा था वो यहाँ पे अच्छा खासा वियर नहीं अचीव कर पाए तो वो अंडर गोज होल फॉर्म करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, रिमर यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो डॉग लेग, ठीक है, माइक्रो डॉग लेग, माइक्रो डॉग लेग क्या है,
माइक्रो डॉग लेग आपको तभी समझ में आएगा जब आपने डॉग लेग सेवरिटी अंडरस्टैंड किया होगा, तो इट विल कवर इन दी डिज़ाइन पार्ट। ओके, श्योरली कवर, वी विल कवर इन दी डिज़ाइन पार्ट। सो ये था मेजरली टू टाइप के ड्रिलिंग प्रॉब्लम, हमने जो मोस्ट ऑफ दी हमें कवर करने थे, डिफरेंशियल स्टकिंग एज वेल एज दी मैकेनिकल स्टकिंग। मैकेनिकल स्टकिंग में भी पैक्ड होल, पैक्ड होल के सारे रीजन हमने कवर किए। पैक्ड होल के बाद हमने क्या देखा, सॉल्ट मूवमेंट वाला देखा, उसके पहले की स्टकिंग देखा, टाइट होल देखा, मोबाइल फॉर्मेशन, ये सारे प्रॉब्लम थे। अब थोड़े एक दो तीन जो हमारे प्रॉब्लम है, ठीक है, एक दो तीन जो हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। तो उसमें अब तीन प्रॉब्लम बचे हैं, लेट कंप्लीट दैट, भले थोड़ा लंबा हो जाए कोई बात नहीं। तीन प्रॉब्लम बचे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है बीट बॉलिंग, लेट स्टार्ट विद दी बीट बॉलिंग। क्या बीट बॉलिंग? बीट बॉलिंग क्या है? बीट बॉलिंग आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं मैं, तो ये जो हमारा बीट है, ठीक है, आपको आगे बताया था शायद, ये जो इस तरह से हमारा बीट है, अब यहाँ पे जो छोटे छोटे फाइंस हो गए या थोड़े बड़े इंस्टेबल सेल गिर के आया होगा, वो क्या करेगा, इस तरह से बीट में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ऐसे अगर बीट में फंस रहा है, ऐसे अगर बीट में फंस रहा है तो क्या हो जाएगा, इंस्टेबल सेल है या जो केविंग का मटेरियल यहाँ पे गिरा है वो बीट में फंस जाएगा, तो बीट रोटेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरह बीट में ही फंस गया है। तो मोस्टली अकर ड्यू टू पुअरली इनहिबिटेड मड यूज़ किया हो। इनहिबिटेड मड क्या होता था? इनहिबिटेड मड वो होता था जिसमें अच्छा खासा एडिटिव यूज़ किया हो जो उसको प्रॉपरली प्रॉपर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये किसका परिणाम है, क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुआ उसका परिणाम है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब ये बीट अच्छे से रोटेट नहीं करेगा तो आरओपी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, जब भी हम इसको ओवरपुल करेंगे, ठीक है, तो ये इतना जो बॉटम होल असेंबली का इतना पार्ट है वो इजीली पुल नहीं होगा, तो ओवरपुल क्या हो जाएगा, हमें ओवरपुल फील होगा, यानी कि जब भी पाइप को पुल करेंगे तो उसमें एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज़, जो फाइंस हो गए, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, फाइंस यहाँ पे ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है, क्लोग हो जाते हैं। तो वैसे फाइंस को ये सिमिलर चीज़ हमारे सेल शेकर में भी ऑब्जर्व होगी, ठीक है, ये सेल की इंस्टेबिलिटी के जो फाइंस थे वो सेल शेकर पे भी हमें मिलेंगे। और लास्ट वन, हमें क्लीनिंग के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो कटिंग फंस चुके हैं उसको रिमूव करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी तो हमारा पंप का प्रेशर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेशन देती है बीट बॉलिंग की, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तीसरी चीज़, अब देखो इसकी रेमेडीज़ क्या है, इसकी सिंपल सी रेमेडीज हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि सेल को स्टेबल रखना है, उसका मीनिंग क्ले को स्टेबल रखना है, और क्ले को स्टेबल रखना है, स्वेलिंग नहीं करवाना है या उसको वीक नहीं होने देना है, स्वेलिंग यानी कि वीक होना। तो क्या होगा, उसमें हमें क्या ऐड करना होगा, डाइवेलेंट आयन, जैसे कि Ca+2 Mg+2 ऐड करने होंगे। अगर ये वाले ऐड करेंगे तो वो डिस्पर्स नहीं होगी, और डिस्पर्स नहीं होगी तो उसका स्वेलिंग नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ है। आगे बात करते हैं, अब ये शायद हेरियोट्वेट का पोर्शन है, ठीक है, जो एचराबिया में नहीं दिया, इसमें एक बात करते हैं, टाइट होल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब भी हम अपवर्ड फोर्स ज़्यादा हो, ठीक है, जो हम आसानी से पाइप को निकालते थे वो आसानी से ना निकले, और अपवर्ड जो फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है वो मैं बोलूँ कितना, नॉर्मली देखो ये मेरी पाइप है, उसके नीचे ड्रिल कॉलर है और उसके नीचे बीट है, तो मुझे इसको अपवर्ड उठाना है, यहाँ पे हुक है, तो यहाँ पे जो W था, ठीक है, हमने कैलकुलेट किया था W, वो मैंने क्या बोला था, इसके बोयंट फोर्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसका ग्रेविटी के वजह से वेट इनटू बोयंसी फैक्टर, वो क्या देगा, बोयंस वेट, इसके इक्वल होना चाहिए, बट ये इतना ना लगे, ठीक है, इसको उठाने के लिए इतना फोर्स लगना चाहिए था, बट उससे ज़्यादा फोर्स लगे, तो वैसे हमें क्या समझना है कि वहाँ पे ऑब्वियसली टाइट होल है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो किसकी वजह से आएगा, वो इस तरह से टाइट होल होने की वजह से, इस तरह से
तो यहाँ पे जो ड्रैग लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है? ड्रैग लग रहा है, एक्सेसिव ड्रैग, उसकी वजह से आएगा। और वो क्यों आया, ये टाइट होल क्यों बना? आइदर यहाँ पे कैल्किस क्ले की स्वेलिंग हुई हो, या फिर इम्प्रॉपर क्लीनिंग की वजह से पार्टिकल यहाँ पे रफली जमा हो गए हो, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी एक दूसरे से इंटरलिंकेबल है, तो आप समझ सकते हो। तो ये क्या करेगा, टॉर्क इंक्रीज करेगा, ड्रैग इंक्रीज करेगा, आरओपी कम करेगा, ठीक है। इसकी रिमेडीज क्या हो सकती है कि भाई आपको क्ले को स्टेबल रखो, सेलिनिटी को कंट्रोल करके रखो, ठीक है। जैसे जैसे मड सेलिनिटी बढ़ती है, जैसे जैसे मड सेलिनिटी इंक्रीज होती है, उसमें Na+ का अमाउंट बढ़ता है, Na+ उसको डिस्पर्स करवा देता है, और डिस्पर्स करवा देता है तो उसकी स्वेलिंग बढ़ती है, ये हमने देखा था, ठीक है। इंक्रीज मड वेट फॉर इफेक्टिव क्लीनिंग, हमारे मड वेट की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं ताकि वो यहाँ पे इफेक्टिवली क्लीनिंग कर सके। लुब्रिकेशन अच्छा करो यहाँ पे ताकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो, और जो सॉल्ट होते हैं तो वहाँ पे वाटर बेस्ड मड ना यूज़ करके क्या यूज़ करो, ऑयल बेस्ड मड यूज़ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। एक दो चीज़ और देखते हैं, होल वॉश आउट, ठीक है। वॉश आउट क्या होता है, ठीक है, वॉश आउट सिंपली केविंग जो फॉर्म करता है, ठीक है, जो केविंग फॉर्म करता है उसे तो वॉश आउट कहते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो ये छोटी मोटी बातें थी होल प्रॉब्लम की। अब लास्ट बात करते हैं बैकअप ऑपरेशन और ट्विस्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब हमारे सारे प्रॉब्लम हमने देख लिए, एक प्रॉब्लम बाकी है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है, वो है कौन सा वाला, लॉस्ट सर्कुलेशन, ठीक है। उस पर थोड़ी डिस्कस बाद में करते हैं, पहले देखते हैं कि सपोज करो ये मेरे केसिंग है इतनी, और ये मेरे पाइप है। अब मान लो कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मेरा होल यहाँ पे, यहाँ पे पाइप मेरी फंस गई, क्या हो गई, पाइप यहाँ पे फंस गई। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे मेरी पाइप क्या हो गई है, स्टक हो गई है एल लेंथ पे, ठीक है। एल लेंथ, ये टॉप ऑफ द लेंथ है, ठीक है, तो टॉप पॉइंट है, ठीक है, स्टक का टॉप पॉइंट है। तो एल लेंथ, एल डिस्टेंस पे मेरी पाइप क्या हो गई है, स्टक हो गई है। तो ये स्टक पाइप को मुझे जो फ्री बनाने का ऑपरेशन है उसे मैं कहता हूँ बैकअप ऑपरेशन। इधर बैकअप ऑपरेशन या ट्विस्ट ऑफ ऑपरेशन, क्या होता है बैकअप या ट्विस्ट ऑफ, ये जो पाइप यहाँ पे स्टक हो गई है, यहाँ पे ये जोन पे जो स्टक हो गई है उसको मैं क्या करूँ, फ्री बना दूँ। तो ये किस किस तरह से हो सकता है, देखो पहली चीज़ आप एक काम करो, पाइप को यहाँ से कट कर दो और इतनी पाइप रीयूज़ कर लो, ऐसा हो सकता है, यस हो सकता है। दूसरी चीज़, और ये वाले पाइप को क्या करो, जाने दो, ठीक है, पहली चीज़ वो हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं बात करूं, थोड़ा अच्छा ड्रॉ कर लेता हूं फिर से, तो ये स्टक हो चुका है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, आप पाइप को यहां से कट करो तो इतना पाइप निकल जाएगा और इतना बच जाएगा, ठीक है। तो ये बचे पाइप अगर आप इसको ऊपर खींच सकते हो, ठीक है, हमारे यहां ऊपर से कैसी असेंबली इसमें फिट कर दो, और उसकी हेल्प से आप अगर इस टुकड़े को क्या कर सकते हो, ऊपर खींच सकते हो, तो उसे आप क्या कर सकते हो, रिमूव रिट्राइवल कर सकते हो, और फिर वो कहीं ना कहीं पे तो यूज आएगा। तो ये हमने देखा, तो ये ऑपरेशन को हम बोलते हैं बैकअप ऑपरेशन या ट्विस्ट ऑफ ऑपरेशन। जो स्टक हुई है पाइप उसको क्या करना है, फ्री करना है। तो इसमें जो असेंबली लगेंगी, ठीक है, वो सारे, अब ये जो स्टक पोर्शन है इतना, इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में फिश, ठीक है, ये मछली है जिसको हमें हमारी जाल में फंसाना है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं ये मछली को कैसे कैसे फंसा सकते हैं। तो आइदर ओवरशूट यूज़ कर सकते हो या स्पार यूज़ कर सकते हो। ये दो क्या है, ये दो डिवाइस है जो क्या करेंगे, ये जो ब्लैक वाला मैंने ड्रॉ किया है वही है ये, ठीक है। ये का क्या करेंगे, इसके ऊपर लॉक हो जाएंगे, यहाँ पे लॉक हो जाएंगे, और इसको हाई फोर्स सरफेस पे हाई फोर्स से हम इसको खींचेंगे या ताकि ये निकल सके। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फिश है जो, यानी हमारी पाइप जो स्टक हुई है उसको कैसे कैच करेगा, एक्सटर्नली कैच करेगा, और ये इंटरनली कैच करेगा। इसका मीनिंग क्या है, हमारी जो पाइप है ये उसके इनसाइड चला जाएगा, ये उसके इनसाइड चला जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से थ्रेड हो गए वो खींच लेगा, और इसमें पूरा उल्टा ये आउटसाइड रहेगा और पाइप इनसाइड जाएगी, तो ये इंटरनली पाइप को, ये हमारी पाइप है दोनों केस में, और ये हमारी
फिशिंग टूल कहते हैं, ठीक है। इस टूल को फिशिंग टूल कहते हैं, जो फिश को खींच के ऊपर लाए। तो आपको क्या याद रखना है, ओवरशॉट और स्पार दोनों का डिफरेंस क्या है, एक एक्सटर्नली कैच करता है एक इंटरनली। बट क्या रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए, हमारा जो फिश है, ठीक है, ये जो फिश है ये फिश के अंदर क्या होने चाहिए, थ्रेड होने चाहिए ताकि ये अच्छे से उसको ज्वाइंट कर पाए। सिमिलरली यहाँ पे अगर वो थ्रेड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर वो थ्रेड अवेलेबल नहीं है, अगर वो थ्रेड अवेलेबल नहीं है तो हमें वो थ्रेड क्या करने होंगे, जनरेट करने होंगे, ठीक है, वो हमें जनरेट करने होंगे। तो ओवरशॉट के केस में जो इंटरनल थ्रेड डेवलप करेगा उसका, वो डिवाइस का नाम है बॉक्स ट्रैप। ये ट्रैप करने के लिए बॉक्स जनरेट करेगा, ठीक है, यानी कि पाइप के इनसाइड क्या करेगा, थ्रेड जनरेट करेगा। और ये इसमें होगा वो टैपर ट्रैप जो थ्रेड जनरेट करेगा। अगर थ्रेड अवेलेबल नहीं है तो ये कनेक्शन कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, पाइप के इनसाइड थ्रेड जनरेट करेगा और ये पाइप के आउटसाइड थ्रेड जनरेट करेगा ताकि हमारी पाइप इंटरनली क्या हो जाए, कैच हो जाए। तो सिंपल सी ये असेंबली है। आगे बात करते हैं वॉश आउट स्ट्रिंग क्या होती है। वॉश आउट स्ट्रिंग, अब मान लो हमारे पास जो अवेलेबल है ओवरशूट है, आइदर ओवरशूट या स्पार है, उसका डायामीटर बहुत बड़ा है। उसका डायामीटर क्या है, हमारे पाइप के डायामीटर से, ये पाइप है, उस पाइप के डायामीटर से हमारा डायामीटर क्या है, बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, वॉश आउट स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ पे जहाँ पे हमें कनेक्शन बनाना है, ठीक है, जहाँ पे हमें कनेक्शन बनाना है, तो इसका डायामीटर कुछ यहाँ से सैंड पार्टिकल या ग्रेवल पार्टिकल फिल करके छोटा कर देंगे ताकि पाइप को ये कैच कर सके। तो उसको क्या कहेंगे, वॉश आउट स्ट्रिंग। और लास्ट टर्म जार, तो यही तो जो डिवाइस है, ठीक है, हमारी जो असेंबली है उसमें जार एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, हमारी असेंबली को ऊपर उठाने के लिए जो पूरी असेंबली हमने जो क्रिएट करी उसे हम, उसको हम क्या कहते हैं, जार असेंबली, ठीक है। जार असेंबली क्या है, ये इसको फोर्स लगा के अपवर्ड की ओर खींचेगी। उसका मैकेनिज्म शायद आपको वेल कंट्रोल में मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, वेल कंट्रोल में जार का मैकेनिज्म देखेंगे। बट ये सारे चीज़ है, ठीक है, या आउटशॉट और स्पार है, वो तो एक पाइप है सिंपली, जो फिश यानी कि फंसी हुई पाइप को कैच करते हो। तो उस सब को चलाने के लिए, ऊपर खींचने के लिए जो मेन डिवाइस होता है वो जार होता है। और ये टॉप पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा, पाइप के टॉप पे लगेगा, जो हमारा फिश है उसके टॉप पे लगेगा, ठीक है। सो ये थी चीज़ें बैकअप ऑपरेशन की, और उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके थोड़े बड़े उसकी हमने बात की। अब लास्ट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, लॉस्ट सर्कुलेशन, जो हमने बात किया था, क्या कर रहा था, केसिंग को कोलेप्स करवा रहा था, लॉस्ट सर्कुलेशन, इंटरनल प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। तो उसकी बात करते हैं। अब इसका मीनिंग तो आपको पता है, तो मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, तो आपको इसका क्लासिफिकेशन दिखेगा एच राबिया में, स्लिपेज लॉस्ट, देन पार्शियल, देन सेवर एंड दी टोटल। तो इसका क्या रोल है कि अगर 1 आवर में हमारा इतना बैरल मड लॉस्ट हो रहा हो, तो वैसे लॉस्ट को क्या कहेंगे, स्लिपेज 10 से 50, ग्रेटर देन 50, और ऑल प्रेजेंट मड क्या हो रहा हो, लॉस्ट हो रहा हो बैरल पर आवर, ठीक है। तो ये स्लिपेज, पार्शियल, सेवर, टोटल, ठीक है, ये लॉस्ट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, स्लिपेज, पार्शियल, सेवर, टोटल। तो 1 आवर में अगर 1 to 10 बैरल जितना लॉस्ट हो रहा हो तो उसे स्लिपेज बोलेंगे, 10 to 50 तो पार्शियल, ग्रेटर देन 50 तो सेवर, और टोटल हो रहा हो तो टोटल। ये कैसे कैसे हो सकता है, देखो फ्रैक्चर आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्रैक्चर या फिसर यानी कि नेचुरली अकरिंग फ्रैक्चर कहीं पे आ रहा है, तो वो क्या होगा, लॉस्ट कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, फ्रैक्चर और फिशर आ रहा है तो उसमें मड का लॉस्ट होगा, या फिर दूसरी हमारी कंडीशन है जो मड का हाइड्रो है वो क्या हो जाए, फ्रैक्चर प्रेशर से बढ़ जाए, ठीक है, तो हमारा लॉस्ट सर्कुलेशन होगा। तो ये दो कॉजेस है लॉस्ट सर्कुलेशन
होने के। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा इसी बुक में, ठीक है, लॉस्ट सर्कुलेशन का क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम्पल नंबर 12.5 आप देख लो। नहीं समझ में आ रहा है तो देन इन्फॉर्म मी, ओके, आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपको 12.5 देखना है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। ओके, इजी है, आपसे हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ द लॉस सर्कुलेशन, लॉस सर्कुलेशन को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एडिटिव्स के नाम आपको दिए गए हैं कि आप इसके लिए कौन कौन से एडिटिव्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो एडिटिव्स है उसका फंक्शन क्या होता है कि आपने जो जो एडिटिव्स डाले, ठीक है, फ्लैक्स या फिर ग्रेन्यूअल, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, फाइब्रस, ठीक है, जैसे कि इसमें ग्लास फ्लोर आ गया, फाइबर आ गया, वुड फाइबर आ गया, इसमें आपने NaCl सॉल्ट या ऐसा कुछ डाल दिया, इसमें माइका फ्लैंक्स होते हैं, ठीक है, ओवरऑल टर्म है फ्लैंक्स, तो ये आप ऐड कर सकते हो। तो ये कैसे काम करेंगे, ये कुछ इस तरह से काम करेंगे कि सपोज़ करो ये जो जोन है यहाँ पे लॉस्ट सर्कुलेशन होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये बड़े बड़े पार्टिकल क्या कर देंगे, यहाँ पे इसकी के को बिगाड़ के रख देंगे ताकि हमारी स्लरी इसमें लॉस्ट ना हो। सिंपल सा मैकेनिज्म है। और दूसरे एडिटिव्स होते हैं वो रेनफोर्स प्लग या सीमेंट होते हैं, क्या है, रेनफोर्स सीमेंट प्लग, जैसे कि मैं बात करूं, फर्स्ट है ऑयल बेंटोनाइट एंड सेकंड वन इज दी वाटर ऑर्गेनोफिलिक। ठीक है, ये कब यूज करना है, जब कोई रिसोर्स नहीं है हमारे पास, ऊपर के सारे जो एडिटिव्स थे उसमें से कोई भी एडिटिव्स काम ना आए और दूसरी कोई टेक्निक से भी हम हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिड्यूस ना कर पाए। ठीक है, आगे तीन टेक्निक्स देखी थी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को रिड्यूस करने की, वो यहाँ पे यूज़ हो सकती है। ठीक है, बट अगर वो कोई भी मेथड यहाँ पे काम नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली वहाँ पे क्या कर दोगे, एक सीमेंट का प्लग रख दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दोगे, सीमेंट का प्लग रख दोगे। ये सीमेंट के प्लग के दो टाइप है, ऑयल बेंटोनाइट प्लग एंड वाटर ऑर्गेनोफिलिक प्लग, ये आप रख दोगे। ये क्या करेगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और ये ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा। दैट मीन्स ये वाला कब यूज़ होगा, ऑयल बेस मड के साथ, और ये कब होगा, वाटर बेस मड के साथ ये यूज होगा। तो जैसे ही आपका मड यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे सॉलिड बन जाएगा और मड को लॉस्ट नहीं होने देगा। ठीक है, फिर आप कम डेंसिटी वाला मड यूज़ करके ये वाला जो सीमेंट प्लग यूज़ किया है उसको भी ड्रिल करके आगे ड्रिल कर सकते हो। ध्यान रखो, ऑयल है तब वाटर बेस है और वाटर है तब ऑयल बेस है। ठीक है, ये वाटर को फीवर करेगा, यानी कि ऐसा प्लग है, ऐसी सीमेंट है। मैंने आपने सीमेंट भी को बोला था कि वाटर एब्जॉर्ब करके वो खुद क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। जैसे ही वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा खुद सॉलिड बन जाएगा और वहाँ का फ्लो ब्लॉक कर देगा। तो वैसे सीमेंट ऑयल बेंटोनाइट होता है वो हाइड्रो
फिलिक होता, हाइड्रोफिलिक होता है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करके सॉलिड बन जाता है, और वाटर ऑर्गेनोफिलिक होगा, ठीक है, ये ऑर्गेनिक को फिल कर रहा है, यानी कि ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ पे सॉलिड बन जाएगा और फ्लो को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये बात थी लोअर सर्कुलेशन की। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे होल प्रॉब्लम एंड वी हैव सीन रिग हाइड्रोलिक पार्ट टू एंड होल प्रॉब्लम। सो आई होप सारे प्रॉब्लम आपको लॉजिकली याद रखने हैं, एक भी रटना नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ बीट बॉलिंग हो रहा है, बीट बॉलिंग हो रहा है, मैच दी फॉलोइंग है, एक को आप बी के साथ मैच कीजिए कौन सा सही है। तो बीट बॉलिंग हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ आर ओ पी डिक्रीज होगी, सेकंड में बोल रहा हूँ लेस ड्रैग लगेगा, और थर्ड में बोल रहा हूँ कुछ भी सेल स्टेबल होगा, सेल स्टेबल। तो आप कौन सा चूज करोगे? तो बीट बॉलिंग है तो आपको पता है पार्टिकल्स बीट में फंस जाते हैं तो उससे आर ओ पी कम होती है, ठीक है, आर ओ पी कम होगी। ड्रैग क्या होगा? ड्रैग तो भाई अब ये यहाँ पे फंस चुका है तो इसको ऊपर उठाना है तो ये इजीली उठ पाएगा नहीं, तो ड्रैग ज़्यादा वर्ड लगेगा बट लेस दिया है। स्टेल इनस्टेबल होगा तभी तो इसमें फाइंस आएंगे और बीट के बीच में फंसेंगे। तो इस तरह से कोई भी एम सी क्यू हो आप बोलो कि मैं बोल रहा हूँ अनकॉम्पैक्टेड फॉर्मेशन है तो क्या होगा? आर ओ पी बढ़ेगी या आर ओ पी कम होगी? आप लॉजिकली सोचो, अनकॉम्पैक्टेड में क्या होता है? रो कम होती, यानी कि स्ट्रेंथ क्या होती है? आर ओ पी आए तब स्ट्रेंथ में चले जाओ, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में चले जाओ, स्ट्रेंथ कम होगी तो आर ओ पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये सारी बातें थी, होल पैकअप होता है तो आर ओ पी क्या होती है? हाइड्रोस्टेटिक बढ़ गया तो आर ओ पी कम होगी। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, यू हैव टू केयर, ओके। सो ऐसे एम सी क्यूज फॉर्म होते हैं, ये थियोरेटिकली भी इम्पोर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन करवाया यूट्यूब मेथड सब मेथड, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद दी वेल कंट्रोल।